जय गुप्ता जी, हैप्पी न्यू ईयर राकेश जी। थैंक यू वेरी मच, एंड टू यू एंड टू ऑल द मेंबर्स। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर विजय जी। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर पांडे जी। मिलिंद जी, हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर सर। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ ऑल ऑल द कलीग्स। राइट हैप्पी राइट। न्यू ईयर टू एवरीवन एंड थैंक यू फॉर द ये भी एक न्यू विशेस। ईयर पार्टी है विजय सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसीलिए हम सब चाहे आज कहीं पर भी हो, लेकिन आज हम अपनी पार्टी ज्वाइन करी ली हम सब ने। देखो, अरे बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं मुंबई में हूँ। वाह, क्या बात है मैम। तो आज हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हम सब लोग इकट्ठे हो चुके हाँ जी, हाँ हैं। जी। दैट्स तो राकेश जी शुरू करते हैं जब तक सर नहीं आते। जी। तो लेट्स फर्स्ट वेलकम अवर व्यूअर्स। वेलकम ऑल द व्यूअर्स टू दिस फर्स्ट सेशन ऑफ 2021। 2020 में हमने शुरुआत की, जहां पर सब लोग अपने और घर के राजन जी, अंदर थे, सरप्राइज। अपने घर के अंदर थे, या सब लोग उस सोच रहे थे कि किस तरह से हम अपने टाइम का यूटिलाइज करें, या फिर हमारा ऑफिस जाना बंद हो गया तो क्या हम सीख पाएंगे कहीं बैठकर। लेकिन मुझे लगता है कि जो लास्ट सेशन में भी हमने बोला था कि 2020 हमें ये सिखा गया कि सीखा कहीं से भी जा सकता है, वक्त कैसा भी हो उसमें भी बहुत कुछ अच्छा हम ले सकते हैं। और ये जो हमारा क्वेरी सेशन है, जहां हमारी फैमिली इतनी अच्छी इतनी बड़ी हो गई है, ये इसका एक बहुत ही अच्छा सबूत है, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होकर, राजन जी हमारे साथ कहीं और से जुड़ते हैं, राकेश जी दिल्ली के किसी और कोने से हैं, रोहिणी से सर होते हैं, मैं ग्रेटर नोएडा से, प्रेम पांडे जी कहीं और से, और आज तो पूनम पांडे जी हमारे साथ मुंबई स्टूडियो हुई हैं, हमारे साथ तंजानिया से मिलिंद जी जुड़े हुए हैं। तो जो दूरियां हैं वो 2020 ने घर पर रहकर भी कम कर दी। तो यही चीज अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज 1 तारीख को हमने अपना क्वेरी सेशन रखा ताकि हम नए बहुत साल की शुरुआत नए लर्निंग के साथ करें, और अपने काम को स्मार्ट वे में कैसे करना है इसकी हैबिट डाल लें। टुडे इज द वर्ल्ड वेयर हार्ड वर्क इज सेकेंडरी, स्मार्ट वर्क इज प्राइमरी। यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू सेव योर टाइम, एंड ओनली स्मार्ट वर्क कैन हेल्प अस। वी हैव ऑल द अवर पार्टिसिपेंट्स हु आर रियली गिविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस। राकेश अरोड़ा जी का जो क्वेरी पूछने का तरीका है, जो उनका क्वेरी बताने का तरीका है, और जो सॉल्यूशन वो पहले से करके आते अनेक हैं, और फिर भी वो सबसे शेयर करते हैं और इतना अच्छे से हमसे पूछते हैं। राजन गढ़ी जी का जो एक्सपीरियंस है वो गजब, जो टेक्निकलिटीज उनके पास है सीख के मजा आ जाता है। और उसी तरह से विजय अग्रवाल सर, उनके तो सर मैं तो उनका दीवाना हूँ, उनका शिष्य हूँ, उनका कुछ भी समझो सर, मैं तो मतलब ये मांगता हूँ कि 2020 की सबसे बड़ी देन विजय अग्रवाल सर उनकी क्लासेस है। तो शुरू करते हैं राकेश अरोड़ा जी, फिर सेशन शुरू हो जाता है तो हम आपका जो आप टूल दिखाना चाहते हैं हर बार से वो रह जाता है, तो क्यों ना हम आप ही के टूल से शुरुआत करें 2020-21 की। सो पोडियम इज ऑल यूर्स राकेश अरोड़ा जी, इस बार हम शुरुआत आप ही के नए 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 टूल से करते हैं जिसका इंतजार 2 हफ्ते से हो रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्वेरी सेशन 28th, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एंड लेट अस विश देयर शुड नॉट बी नो इश्यू रिलेटेड टू कोरोना, एंड वी ऑल बी हेल्दी एंड आर लाइफ शुड कम टू नॉर्मल। लेट अस विश एंड विद दिस बिगनिंग वी स्टार्ट दिस ईयर। And this is a coincidence that the query or the tool which I wanted to present, it was getting deferred for the last 2 weeks. And basically, this is primarily a query session. And because the tool I wanted to present, it is little away from the query, so we were not giving priority to that. And it's a coincidence that the tool which I want to present is based on the query which was raised by Prem ji last week itself. It is related to that. He mentioned that the calendar which we are using on Excel, that works for 99 years, and if we go prior to that, say first, which Mr. Rajan very clearly and very in a
डेफिनेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी मैनर ही एक्सप्लेन दैट इफ वी गो प्रायर टू 1st March 1900, if we go prior to that, we will not get the correct result. And which I tested, and he rightly mentioned that even as on date, Excel has not corrected that thing. So I have got a lead, query raised by Premji. So I will start with that. And my tool is again based on calendar only. And coincidentally, today is the first day of the new year. So we are beginning with that. And it is related to that, two coincidences. So I'm starting with that. I'm going to present. It's nothing. As I mentioned, it is a monthly planner. Okay, so I share my screen, please. And when Vijay Agarwal ji is supposed to join? Any idea, Vijay Gupta ji? Hardly, I think next 5 to 7 minutes. Okay, should we wait? By 7:15 he will be there, I think. Should we wait? In the meantime, we can interact once he joins. Thereafter, we can take up this. No, sir, we can start. All right, okay. And before I start, let me share one thing. There are two ways of connecting to this platform. One is this, we come on this Zoom meeting and we come on this Zoom meeting and we interact and we can share our thoughts. We share our query. We share our solution. Sometimes we are right. Sometimes we are wrong. Sometimes we have solution and we get even better solution. And solving the same thing in different manners. So enlighten us how to use one of those 5-7 tools at different point of time. And since we interact, so we get an opportunity to share our thought. It's like that when we attend a classroom session, we are attending a class. And second thing, we are taking a notes and working on that. So that difference I could see joining, coming on this platform and thereafter watching the video. Sometimes we can get solution through net, but when we come on this platform, the way we interact and the type of solution we get that helps us in, solving different problems with different way. So without saying much, I go to the tool which I want to present. I am about to share my screen, please. My desktop is visible? Yes, sir. Yes. So the file I have just shared in the Excel group, the same file I am opening. So my file has opened. So it is displaying a monthly planner type of calendar. It is January 2021. And if I change the month, say I change the month, it is first, it is January. I will click here. One number is changed to 2 and my planner has changed to February 21. And similarly, if I keep on changing, I will get the calendar planner accordingly. Okay, the days which are valid days, those are highlighted with yellow creamish background, and those are not valid, those are highlighted through gray background. And same way, I can change the year also. If I go to year 2020 and I go to month, say 12, so I will get December 2020. So last day was Thursday 31st, so it is clearly displaying this calendar. Now I go to the query straightway raised by Mr. Prem. He said, what will be the day? From his query, the question was raised and Rajan rightly pointed out on 1st of March 1900, there will be valid day. So we straightway go to the year. This calendar is not taking the working from Excel, rather I have worked on the basis of whatever I learned in class 7th related to calculating the day, which day is there, Sunday, Monday, Tuesday on a particular date,
whatever the year is, whether it is related to last 100 years or 2000 years. So I straightway go to 1900. When I press 1900, go to the month March, 3rd March. So I could find first day is Thursday. All right. 1900 March, first day is Thursday. And if I work it out on the basis of Excel formula, this is the date, first date I have mentioned, 1st January 1900. And if I apply this formula, text B3 and within invited, double invited commas, DDD. So I will get the day. It is showing day Sunday on 1st January. And if I go straightway on 1st March, this is 1st March, I get Thursday. And I have worked it out. It is also showing the same date, 1st March, as Thursday. But I, when I go to a month prior to March, meaning thereby February 1900, last day I get is 28th and it is Wednesday. But when I calculate on Excel, the day I get is 29th Feb 1900. As such, in calendar, 29th Feb, in a century year of 1900, it is not there. It is not there. So as Mr. Rajan pointed out, our Excel is giving wrong information that 29th Feb 1900 exists. It doesn't exist. It is saying it is Wednesday. No, it is no such day. And there is no question of Wednesday being there on 29th Feb. So to that extent, whatever information provided by Mr. Rajan and the query raised by Mr. Prem, I have answered it. 29th Feb 1900 is not feasible. Excel is wrongly showing so. And in that calendar, there are limitations. We get right information up to 1st March 1900 and not prior to that. Okay. Premji, if you have anything to raise or any concern, we can take it up. Otherwise, we will move ahead. Yeah, go ahead, sir. Please. Yeah. Now, we come to the next part. So, this calendar is simple calendar. There's nothing special about it. So, what's so special? First of all, we want to customize it. Customize in a manner that the days weekly off should be highlighted. So first of all, let me correct the year. We come to the current year, 2021, and the month we go to first month, meaning thereby January 2021. Today on 1st January, it's Friday. It is correctly showing so. Now we customize it by putting Sundays or any weekday off of our choice. It is in our hand. So how we will do that, we will straightway go to third sheet of this file, which has already been shared on the Excel group. So I go to this off day. Okay. Now, this is part D of this sheet is related to weekly off. And I can see that Monday to Sunday, these 7 days are there. And 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. It is in respect to first day of the month, meaning thereby first Monday, first Tuesday. And when I go to this column, meaning thereby it is second Monday, second Tuesday. So if I want to adopt the calendar, which is generally being used in India or by banking channel throughout the country, it is all the Sundays are off and second and fourth Saturday is also off. So what I need to do is I will simply press one here, meaning thereby all the Sundays I have made off. And if I go to the monthly planner, now I will see all the Sundays are with a brown background and clearly showing me that these days are weekly off days. Okay. Now I want that second Saturday and fourth Saturday should also be made off. It is my choice. And I will just put one here. Again, I will put here one. So second and fourth Saturday of the week, I want that it should be reflected as weekly off. Now, after putting that, when I go to this planner,
I could find that these days are again off. These are highlighted as these are holidays. Now, this is one part. So if anybody has any question, we can take it up. Otherwise, I will move forward. Vijay Gupta ji, anything? Rakesh, this is Rakesh. Namaste. Welcome. And we are waiting for you a very happy new year and welcome. I'm really very sorry. Like today, somehow actually I stuck somewhere. And right now, just now actually, I was like somewhere. So many mobiles, I have done the login. Ji sir, ji. So, हम यहाँ तक पहुंचे थे. आपके ज्वाइन करने से पहले हमने एक चीज हैंडल की कि जो एक्सेल हमें डे दिखा रहा है वो 1st March 1900 ऑनवर्ड ठीक दिखा रहा है, उसके पहले के डेट ठीक नहीं दिखाता. और उसको हमने प्रूव भी किया कि जब हम 29th Feb 1900 लिखते हैं तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उस दिन वेंसडे दिखाता है जो ठीक नहीं है. 29th Feb 1900 एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये कैलेंडर, मंथली कैलेंडर लिया और मंथली कैलेंडर को यहां से हम स्पिन बार को यूज करते हुए हम इसको मंथ को आगे बढ़ा रहे हैं. तो हमारा ये कैलेंडर आगे अकॉर्डिंगली मूव हो रहा है और हमें प्लानर वो मिल रहा है जो हम चाहते हैं. और इसी तरीके से हम ईयर को भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं जी. और उसके बाद सेकंड थिंग हमने कहा कि हमें जो वीकली ऑफ चाहिए वो हमें अपनी चॉइस का चाहिए. वो अगर हम बैंकिंग को फॉलो करते हैं तो ऑल संडेज एंड सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे. अगर यही हम दुबई में चले जाएं तो वहां फ्राइडे ऑफ होता है, तो संडे के बजाय वो फ्राइडे ऑफ हो जाएगा. तो ये सारा करने के लिए हमें क्या करना है, वी विल गो टू थर्ड शीट एंड उसमें हमें डी सेक्शन जो 65 रो ऑनवर्ड है उसमें हमें ये जो टेबल मिल रही है, ये टेबल हमें कहती है इधर डेज लिखे हुए हैं और ये लिखा हुआ है फर्स्ट मंडे, सेकंड मंडे, थर्ड मंडे. और इसमें हमने सेलेक्ट करना है, हमने यहाँ सैटरडे में सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को सिलेक्ट किया और ऑल संडे सिलेक्ट किए. जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया तो हमारा मंथली प्लानर जो था उसमें ये ऑफ डेज, वीकली ऑफ डेज हाईलाइट हो गए. हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं. हमने जो ये संडे को लिखा था, अब संडे की बजाय यही चीज हम फ्राइडे को ले आते हैं और हम ये संडे से हटा लेते हैं. तो आर प्लानर विल लुक लाइक दिस वे. ये फ्राइडे हमारे ऑफ हो जाएंगे और सैटरडे, सेकंड एंड फोर्थ अगर है तो ये ऑफ रहेंगे, नहीं तो ये इस तरीके से दिखाएगा. हम वापस अपने ही स्टैंडर्ड पर आ जाते हैं, मीनिंग देयर बाय हमें संडे चाहिए, संडे ऑफ चाहिए और सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ चाहिए. ओके, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं. यहां तक भी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारी पूरी नहीं होती है. हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें इसके साथ साथ जो हमारे हॉलीडेज होते हैं, नेशनल हॉलीडे होते हैं या हमारे कस्टमाइज हॉलीडेज होते हैं, एंटिटी टू एंटिटी डिफर करते हैं कि हमारा वो ऑफ डे कौन सा है, तो उस डे को भी इसमें हम लेकर आए. तो उसके लिए क्या हमने किया, उसी शीट में हम चलते हैं. एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज. जी जी, हेलो. आई थॉट शायद मेरे लिए कोई मैसेज ना आ रहा हो, किसी को कोई परेशानी ना हो रही हो या कोई मेरे को कहना चाहते हो, तो मैंने विजय फोन लिया. बट इट वाज अगेन अ प्रमोशनल टाइप ऑफ फोन दिया जी. तो हाँ, तो ये हमने वीकली ऑफ लिया. अब हम चलते हैं कि हमें अपने कैलेंडर का ऑफ भी इसमें दिखाना है हमें. एक सेकंड, ये मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इनको एडमिट करने के लिए. विजय गुप्ता जी, कैन यू प्लीज टेक केयर ऑफ इट. मैं कर रहा हूँ सर. तो अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट के, इसी शीट के फर्स्ट पार्ट में जी. यहां हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, ये वो हॉलीडेज ली जो स्टैटिक हैं, जैसे 1st जनवरी न्यू ईयर. मैंने अभी ये यहां पे मैंने ये डिटेल बनाई हुई है बट ये डिटेल वहां शो नहीं हो रही थी. उसके लिए मैंने क्या किया, ये लिया ऑल हॉलीडेज टू बी मेड इन इफेक्टिव. इफ आई पुट वन तो ये सारे के सारे जितने भी मेरी लिस्ट है वो इन इफेक्टिव हो जाएगी और वो डेज हाईलाइट नहीं होंगे. बट जैसे ही मैं वन को रिमूव
मेरी वॉइस इको हो रही थी बट अब ठीक हो गई है जी। हेलो जी सर, प्लीज कंटिन्यू। देर वॉज अ साउंड फ्रॉम प्रभास सिंह जी, एक्चुअली आई हैव जस्ट म्यूटेड हिम। जी जी सो अभी मैंने जो मंथली प्लानर लिया था उसमें सिर्फ वीकली ऑफ आ रहे थे, इसके अलावा जो हॉलीडेज हैं वो डिस्प्ले नहीं हो रहे थे। वो क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि मैंने यहाँ वन डाला हुआ था। अब अगर मैं वन की बजाय यहाँ पे जीरो ले आता हूँ और इसके बाद ये सारे डेज मेरे इफेक्टिव हो जाएंगे और जो जनवरी मंथ में आते हैं दिन छुट्टी वाले, वो देखिए दिन ये मेरे इफेक्टिव हो गए। इसमें ये कुछ दिन नजर आ रहे हैं मेरे को, फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे ऑफ द ईयर को मैंने इसको हॉलीडे अगर असाइन किया है तो ये हाईलाइट हो रहा है, यहाँ रिपब्लिक डे ये हाईलाइट हो रहा है, और ये कुछ दिन फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ डे ऑफ जनवरी यहाँ पे मैरिज दिखा रहा है। इसको भी हम देखेंगे ये क्या क्या हम यहाँ इसमें कहना चाहते हैं। तो हम चलते हैं वापस इधर ऑफ डेज में। सो मैंने इसको तीन सेक्शन में डिवाइड किया। पहला सेक्शन वो जो स्टैटिक डे हैं, चाहे ईयर जो मर्जी चेंज हो जाए मेरे ये दिन वही रहेंगे, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हमेशा फर्स्ट जनवरी को आएगा, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को आएगा, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को आएगा, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आएगी, क्रिसमस डे मेरा 25 दिसंबर को ही आएगा। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें चाहता हूँ कि कोई एक स्पेसिफिक डे मेरे को नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूँ मेरे को फर्स्ट डे ऑफ द ईयर मेरे को छुट्टी नहीं दिखानी है, तो आई विल सिंपली मेक इट डीएक्टिव बाय पुटिंग वन हेयर। अब अगर मैं चलूंगा अपने मंथली प्लानर में तो ये फर्स्ट जनवरी जो मेरा ऑफ हो रहा था अब ये मेरे को ऑफ नहीं दिखा रहा। इंस्टेड ऑफ जस्ट डिलीटिंग दिस टेक्स्ट ऑल टुगेदर आई विल सिंपली पुट वन हेयर एंड मेक इट डीएक्टिव। सिमिलरली आई हैव मेड अ लिस्ट, ये लिस्ट कस्टमाइज लिस्ट है, हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने एक जो नॉर्मली एक कैलेंडर में होती हैं वो 2 सालों की इन्फॉर्मेशन डाली, 2020 की डाली और 21 की डाली। ये हम जब तक ये हम ऐड नहीं करेंगे तब तक ये नहीं दिखाएगा नीचे की, बट ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये पांच दिन दिखाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। जो ईयर हम देख रहे हैं वो कोई भी ईयर हो उनमें ये पांचों दिन लेगा, क्योंकि ये दिन स्टैटिक है और नीचे वाले दिन स्टैटिक नहीं है, ये इनकी डेट चेंज होती रहती है। तो मैंने 2020 की पहले डाली, होली, रामनवमी, गुड फ्राइडे एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ जब लोहरी पे आ रहे हैं यहाँ पे मैंने इसके आगे वन लिख दिया, मीनिंग देयर बाय एट प्रेजेंट आई हैव मेड इट डीएक्टिव। अगर मैं इस वन को हटा दूं और यहाँ पे जीरो ले आऊं, नाउ इट हैज बिकम एक्टिव। और अगर मैं जनवरी में चलूंगा तो अब जनवरी 13 जनवरी ये रही 13 जनवरी, ये हाईलाइट हो रही है एज लोहरी, छुट्टी है ये। अब मेरे पास दो तरीके थे कि मैं इसको डिलीट ही कर देता, और दूसरा ये नहीं, डिलीट करने के बजाय मैं वन करके इसको इनएक्टिव कर रहा हूं। सो दैट वे मैंने यहाँ पे एनुअल हॉलीडेज को कवर किया और ये 2000 के कवर किए मैंने यहां से लेके और यहां तक। अगर मेरे को 2000 के लिए नहीं देखने हैं तो मैंने यहाँ फिल्टर लगाया हुआ है, व्हाट आई विल डू, यहाँ पे फिल्टर एक्टिव करने के बाद मैं 2020 को अगर डी क्लिक कर दूंगा और इसको प्रेस करूंगा, अब मेरे पास 2020 के डेज मेरे सामने विजिबल नहीं हो रहे, 21 के हो रहे हैं, और मेरे पास आगे ऑप्शन है, बड़े सारे ब्लैंक कॉलम पड़े हुए हैं, मैं कोई भी दिन और ऐड कर सकता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जब इस कैलेंडर को यूज करें कट पेस्ट नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, कट पेस्ट करने से इसकी फॉर्मेटिंग और इसके कुछ जो फॉर्मूलाज हैं दे में गेट डिस्टर्ब। ओके, सो जैसे मान लीजिए कोई और दिन हमने रखना है, टेक फॉर इंस्टांस 15 जनवरी 2021, हम यहाँ डालते हैं और यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन सा दिन है, लाइक ऑफिशियल हॉलीडे, कोई भी हमारी ऑफिशियल कोई सेरेमनी हो सकती है, कुछ हो सकता है, हमने ये यहाँ दिन डाला 21 जनवरी 2021। और अब जब मंथली प्लानर में चलेंगे 15th पे हम वी कैन फाइंड कि ये यहाँ पे ऑफिशियल हॉलीडे यहाँ डिस्प्ले हो गया, यहाँ के एकदम टॉप पर डिस्प्ले होगा डेट के सामने, 15th के सामने। सो दैट वे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और जितना हम देखना चाहें उतना देख सकते हैं, किस तरीके से, फिल्टर की हेल्प लेके। और इसमें मैंने जो फार्मूलाज लगाए हैं ये इस प्लेटफॉर्म के जो क्वेरी सेशन हम अंडरटेक करते हैं, यहाँ पे हमने जो सीखने को मिला
और ऑफिस 365 में जो नए नए फार्मूलाज आए हैं, विजय अग्रवाल जी ने ऑफ एंड ऑन हमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उनको मैंने यूज किया और वो कैलेंडर का प्लेटफॉर्म वो यूज किया कि जो मैंने आज से काफी साल पहले बनाया था, तो उसमें फ्यूजन है पुरानी फॉर्मूलाज और पुराने टेक्निक्स का और लेटेस्ट ऑफिस 365 का। सो इसके साथ मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया और मेरा कैलेंडर अब ये यहाँ पे ये छुट्टियां दिखा रहा है मेरी, हाईलाइट कर रहा है। अब इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को वो दिन भी हाईलाइट करने हैं जिन दिनों मैंने छुट्टी लेनी ही लेनी है, तो उसके लिए मैंने एक अलग सेक्शन बनाया प्लान्ड लीव्स। मान लीजिए 5th January, 6th, 7th January 21 ये मैंने डाला और इसके आगे मैंने ओकेजन लिखा क्या है। यहाँ पे मेरे पास डे अपने आप आएगा, इट इज फार्मूला बेस्ड, डे अपने आप दिखाएगा, मुझे यहाँ फीड नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे फीड करना है जहाँ व्हाइट सेल्स हैं। मैंने ये 5th, 6th, 7th, मान लीजिए मेरे को 7th नहीं चाहिए, डाउटफुल है, या मैं इसको अभी डिलीट भी नहीं करना चाहता और नहीं दिखाना चाहता, तो मैंने यहाँ 1 प्रेस कर दिया। अब ये यहां से ये 2 दिन रह गया और 7th से आउट हो गया। तो ये मेरा दूसरा पार्ट था, रादर तीसरा पार्ट था। पहले मैंने डिस्प्ले किया प्लेन प्लानर को, फिर उसमें वीकली ऑफ ऐड किए, फिर उसके बाद मैंने अपने हॉलीडेज ऐड किए। हॉलीडेज में 2 तरह के थे, एक स्टैटिक हॉलीडेज था और एक नॉन स्टैटिक फ्लोटिंग हॉलीडेज था। उसके बाद मैंने अपनी प्लान्ड हॉलीडेज ऐड की, जो जैसे 5th और 6th यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। ये मेरे को छुट्टी लेनी है, मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं। अब ये मेरा एक पार्ट पूरा होता है। इससे पहले कि मैं अगले पार्ट की तरफ बढ़ूं, अगर किसी की तरफ से कोई कंसर्न है तो मैं उसको एड्रेस करता हूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। विजय गुप्ता सर, मेरा एक सवाल है। श्योर, प्लीज। मिलिंद कापड़िया बात कर रहा हूँ। ये सर, आपने सैटरडे और संडे जो हाईलाइट किए हॉलीडेज, वो दिन अगर कोई दूसरा हॉलीडे आता है तो वो ओवरराइड कर देगा या क्या करेगा? लेट्स सी, देखते हैं क्या कैसे प्लान हुआ हुआ। ये जो मैंने 15th का कहा था, इसको हम 17th को करते हैं, तो हम चलते हैं ऑफ डे पे। हमने यहाँ 15th को जो प्लान किया था, 15th January, इसको हम 17th January करते हैं। और ये मैंने 17th किया, लेट्स यहाँ पे संडे दिखा रहा है और देखें इसका रिजल्ट क्या है। जी, तो इसने ओवरराइड कर दिया, मतलब प्रायोरिटी दी है हॉलीडे को, वीकली ऑफ को प्रायोरिटी नहीं दी। कलर दिया है, ये कलर वीकली ऑफ का ना देकर इसने जो हमने छुट्टियों का रखा हुआ कलर, वो छुट्टी का हॉलीडेज का कलर इसने लिया है। और यहाँ पे कलर हमने थोड़ा डिफरेंट किया है, ये कलर है जो हमारी अपनी प्लान्ड लीव्स है, ऑर्गेनाइजेशन की लीव्स नहीं है। जी जी, नहीं बढ़िया है सर, वेरी नाइस। जी, सो विजय गुप्ता जी, अगर किसी का कोई और कंसर्न है या आप कुछ कहना चाहें, नहीं तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं फिर। सर, बहुत ही शानदार आपने बनाया हुआ है और मिलिंद जी ने वो क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत अच्छा। तो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू। जी, नो क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक भी कोई खास चीज इसमें नहीं थी, अब जो खास चीज है, हम ये चाहते हैं कि इस कैलेंडर में हमारे जो प्लान्ड शेड्यूल हैं, कुछ हमारे वीकली हो सकते हैं, कुछ मंथली हो सकते हैं, कुछ क्वार्टरली हो सकते हैं, कुछ एनुअली हो सकते हैं, उनको बिना बार बार रिपीट किए अगर हम सिर्फ स्मार्ट वे में अगर कैलेंडर का नंबर मूव करें, यानी कि मंथ मूव करें, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजों को कैप्चर कर ले। इसमें क्या क्या हम सोच सकते हैं, तो जो जो चीजें मेरे को विजुअलाइज हुई उनको मैंने कवर करने की कोशिश की। वो क्या क्या हो सकती थी, एक ये, अगर मैंने किसी को बर्थडे विश करना है तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन हाईलाइट होनी चाहिए कि जिस दिन बर्थडे है उस दिन हाईलाइट होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो वर्किंग डे है या नॉन वर्किंग डे है। मैं छुट्टी पर हूं नहीं हूं, मैं किसी को एडवांस में तो विश करूंगा नहीं, उसी दिन करूंगा, तो उसका छुट्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से कुछ ऐसे डेज, कोई मेरे को मैरिज फंक्शन अटेंड करना है तो वो भी उसी दिन हाईलाइट होना चाहिए। कोई इनकम टैक्स हियरिंग की डेट है, अगर मान लीजिए वो सैटरडे को है, सेकेंड सैटरडे को है, और मेरा सेकेंड सैटरडे ऑफ है, तो वो उसी दिन हाईलाइट होना चाहिए। अब उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो एक्टिविटीज उस डेट तक होनी चाहिए,
लाइक मेरे को अगर मान लीजिए सैलरी डिसबर्स करनी है, आई वांट दैट द सैलरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिसबर्स लेटेस्ट बाय 7th. सो मैं ये चाहूंगा कि मैं 7th वाली डेट लिखूं, और अगर 7th को नॉन वर्किंग डे है तो वो उसको प्रीपोन कर दे 6th पे ले आए, और अगर 6th को भी नॉन वर्किंग डे है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर दे 5th तक ले आए, जब तक कि उसको लास्ट वर्किंग डे बाय 7th नहीं मिलता तब तक वो उसको प्रीपोन कर दे. सो इस चीज को मेरे को कैप्चर करना था. फिर मेरे को ये भी कैप्चर करना था, मेरे को हर सैटरडे 7 बजे से 9 बजे तक मेरे को सेमिनार अटेंड करना है क्वेरी सेशन का, जो विजय अग्रवाल जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ उसको मेरे को एड्रेस करना है, उसको भी कैप्चर करना है. तो मैं मिनिमम इंफॉर्मेशन के साथ हर एक मंथली प्लानर में मैं वो चाहता हूँ वो इंफॉर्मेशन कवर हो जाए. अब कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है विच इज बेस्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, लाइक मेरे को पूरे महीने की टर्नओवर इन्फॉर्म करनी है. अब वो टर्नओवर अगर इन्फॉर्म करनी है या बैंक का बैलेंस इन्फॉर्म करना है, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऑफ डे पे घर बैठ के उसको करूं, मैं ऑफिस में करना चाहता हूं, तो इट शुड अपीयर ऑन लास्ट वर्किंग डे, तो वो लास्ट वर्किंग डे पे डिस्प्ले हो. बट अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ वर्किंग डे नहीं है तो उसको वो प्रीपोन कर दे. बट कुछ एक्टिविटीज होती हैं ऐसी जो प्रीपोन नहीं हो सकती, वो पोस्टपोन तो हो सकती हैं, तो मैं क्या करूंगा कि वो लास्ट वर्किंग डे +1 कर दे या -1 कर दे. तो मैंने इन सारी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की है, और टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गया, तो मैं स्टेट वे जो मैंने डाटा कैप्चर किया है मैं डाटा पे चलता हूँ. सेकंड शीट है, इसमें मैंने कुछ चीजें डालने की कोशिश, अभी मैंने सारा इसको इनएक्टिव किया हुआ है, सेम जैसे वहां पे हमने ऑफ डे का किया था वैसे ही इसमें किया हुआ है. यहाँ मैंने 1 पुट किया हुआ है, जैसे ही मैं इसको 1 हटाऊंगा तो ये सारी शीट मेरी एक्टिव हो जाएगी. मैंने इसको 0 डाला, अब ये मेरे सारे एक्टिव हो गए. इसमें मैंने क्या क्या डाला है मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मैंने इस सेल में, पहली सेल में मैंने क्या लिखा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन द ऑफिस. अब D+1 किया है और आगे लिखा है मैंने दिसंबर, मीनिंग देयर बाय डी इज लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ, और लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ में 1 ऐड कर दिया. यानी कि अगर 1 जनवरी मेरी छुट्टी है, 2 जनवरी छुट्टी है, 3 जनवरी छुट्टी है, और 4 जनवरी फर्स्ट वर्किंग डे है, तो 4 जनवरी को मेरे को वो सेलिब्रेशन करनी है, क्योंकि ऑफ डे पे तो मैं करूंगा नहीं ऑफिस में सेलिब्रेशन. तो मेरे को D+1, डी का मतलब हुआ लास्ट वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग डे में 1 दिन एडवांस चलना है मेरे को. अब लास्ट वर्किंग डे कहां से मेरे को वर्कआउट करना है, दिसंबर से. यहां मैं जनवरी नहीं लिखूंगा, दिसंबर लिखूंगा, बिकॉज द वे इट हैज बीन डिजाइंड इट इज बेस्ड ऑन लास्ट वर्किंग डे. तो मैंने लास्ट वर्किंग डे +1 करके दिसंबर लिखा और न्यू ईयर सेलिब्रेशन डाली. अब मेरे को ये मेरे फ्रेंड हैं, उनका बर्थडे है 1 जनवरी को बर्थडे है, आई वांट टू विश हिम ऑन 1st of January इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो वर्किंग डे है या नहीं है. तो मैंने यहां जब 1 जनवरी लिखा तो उसके सामने मैंने F4 ऐड कर दिया. F मींस फिक्स्ड, इट इज स्टैटिक, इट इज नॉट मूविंग, इट इज नॉट मूविंग विद द हॉलीडेज. अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, न्यू ईयर कैलेंडर इंप्लीमेंटेशन. अगेन ये D+1 किया December 1, जैसे इसका बिहेवियर था वैसे इसका बिहेवियर है. ऑफिस मीटिंग, मेरे को ऑफिस मीटिंग भी रखनी है तो वो भी +1, सेम इसी तरीके से रखा हुआ. आगे बढ़ते हैं, सैलरी डिसबर्समेंट. अब मेरे को 7th of every month, जब मेरे को एवरी मंथ करना है तो मैंने यहाँ पे अब हर एक महीने का नहीं डालूंगा, खाली M डाल दिया. और मैंने क्या किया है, इसमें वैलिडेशन लगाए हैं, जो चीजें फिजिबल हैं वो सारी मैंने यहाँ कवर की हैं. जैसे यहाँ मंथ कवर किए हैं मैंने, इसमें इसके नीचे मैंने M कवर किया है. M स्टैंड्स फॉर मंथली, Q स्टैंड्स फॉर क्वार्टरली, W1, W2, W3, W4, W5 दिस स्टैंड्स फॉर वीक, W6 इसमें आ रहा है, W6 नहीं होना चाहिए था, इट्स गलत है, ये मेरे को ठीक करना पड़ेगा. एंड दिस इज बीटा वर्जन एंड सब्जेक्ट टू फर्दर फाइन ट्यूनिंग. सो W6 इट इज मीनिंगलेस, ये नहीं होना चाहिए था. और उसके बाद ये मंथ आ रहे हैं, मैं कुछ भी इनमें से डाल सकता हूँ, अगर इससे कुछ हटके डालने की कोशिश करूंगा तो मेरे को अलाउ नहीं करेगा. वैलिडेशन इसमें मैंने यूज किया है. अब बैंक रिकंसिलेशन, मंथली बैंक रिकंसिलेशन बननी है तो मंथ के लास्ट डे से 3 दिन एडवांस चला और ये मंथली बेस पे मैंने बनाया. ऐसे ही मैंने कुछ एक्टिविटीज यहाँ कवर की हैं, लाइक
क्वार्टरली, ये सब एग्जाम्पल के तौर पर हम अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, क्वार्टरली फाइनेंशियल एनालिसिस D+3, क्वार्टरली बेस, देन बोर्ड मीटिंग क्वार्टरली, लास्ट डे ऑफ द वर्किंग डे से 5 दिन पहले मेरे को करनी है बोर्ड मीटिंग ऑन क्वार्टरली बेसिस, सो दैट वे मैंने ये दिखाया। फिर उसके बाद मैंने दिखाया ऑफिस स्टाफ जून मीटिंग मेरे को फ्राइडे करनी है, कौन से सेकेंड फ्राइडे करनी है, W2 यानी कि सेकेंड और फ्राइडे, सेकेंड फ्राइडे। उसके बाद मैंने ये लिखा मेरे को 7 बजे से 8 बजे तक एक्सेल क्वेरी सेशन अटेंड करना है, सैटरडे को करना है, फर्स्ट सैटरडे करना है, सेकेंड करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मैंने इंफॉर्मेशन, यहां मेरे को इंफॉर्मेशन 5 टाइम्स डालनी पड़ेगी बिकॉज इट इज डिजाइन इन सच ए मैनर कि मेरे को वीकली अलग अलग लेने हैं, फर्स्ट वीक अलग लेना है, सेकंड अलग लेना है, थर्ड लेना है, एवरी वीक का इसमें नहीं मैंने दिया, एवरी वीक अगर कवर करना है तो हम इस तरीके से कवर करेंगे। इनकम टैक्स हियरिंग है, अब ये ABC एंड कंपनी की मेरी इनकम टैक्स हियरिंग है 13th की है, तो मैंने F लगा दिया कि ये 13th को ही डिस्प्ले होनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये वर्किंग डे है या नहीं है। अब मैंने इसके आगे यहाँ ईयर और लिख दिया, मीनिंग देयर बाय दिस डेट इज रेलेवेंट फॉर दिस ईयर, और इसके अलावा अगर मैं किसी कैलेंडर में देखूंगा 2020 में देखूंगा 22 में देखूंगा तो वो इस डेट को कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि मैंने ईयर मेंशन कर दिया है, बट इससे पहले सब केस में जहां ईयर नहीं है वो हर एक जगह उसको कंसिडर करेगा। ऐसे ही मैंने कुछ और एक्टिविटीज डाली है, लाइक अब हमारी इनकम टैक्स की जो डेट है ऑडिट फाइल करने की, 3CD फाइल करने की या टैक्स ऑडिट फाइल करने की, वो 15th रिटर्न जो है सब्जेक्ट टू ऑडिट वो 15th February हो गई है, और 10th तक हमें इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करनी है, तो ये मैंने एक्टिविटीज यहाँ डालने की कोशिश की है दिखाने के लिए। सिमिलरली और भी बड़ी सारी मैंने एक्टिविटीज डाली हैं। अब इन सब का इफेक्ट क्या पड़ेगा, लेट्स सी ऑन दिस प्लानर, हम स्टेट वे प्लानर पे चलते हैं। अब ये प्लानर मेरा सारी ये एक्टिविटीज दिखा रहा है, ओके, सो वो सारी चीजें जो छुट्टी वाले दिन आ रही है, छुट्टी को नहीं आनी चाहिए थी, वो प्रीपोन हो जाएंगी, नहीं सॉरी, जो जो जैसे जैसे 7th का था सैलरी वाला, अगर ये 7th हॉलीडे होता तो ये पहले चला जाता, और मैं इन 2 दिन अवेलेबल नहीं हूं, हम देख रहे हैं इसमें कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है, इनमें भी कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है, बट यहाँ पे हम देखें तो हमें ये एक्टिविटी आ रही है एक्सेल क्वेरी सेशन, बिकॉज ये होना ही उस दिन है, इसी तरीके से यहां भी आ रही है, लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कुछ चीजें कटी हुई हैं, पूरी नहीं आ रही हैं। इसका हम 2 तरीके से इसको वो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एडजस्ट दी हाइट, वी कैन क्लिक दिस बटन, जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे सारी हाइट एडजस्ट हो जाएगी जो एक्टिविटीज आई हैं उसके हिसाब से, अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें 100% पे ले आए तो ये परफेक्ट वे में दिखाएगा इसमें जितनी एक्टिविटी आ रही है उस हिसाब से है, और अगर हम यहां इसके थ्रू चलेंगे तो भी ऑटोमेटिकली ये हाइट एडजस्ट कर लेगा, कम ज्यादा कर लेगा अगर हम इस बटन को यूज करेंगे, लेकिन अगर हम मान लीजिए इस बटन को यहाँ यूज करते हैं 1 और एंटर कर देते हैं तो फिर हाइट के लिए हमें इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ओके, सो बाय डूइंग सो इसमें क्या हुआ, हमें जिस जिस दिन जो जो एक्टिविटीज है वो दिखाई दे रही है, छुट्टी वाले दिन प्रीपोन हो रही है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड को हम मान लीजिए छुट्टी करते हैं, सेकेंड ऑफ जैन इज नॉट अ वर्किंग डे, तो ये सारी एक्टिविटीज प्रीपोन होंगी, ओके, इसको हम करके देखते हैं। हम यहाँ गए ऑफ डेज में और ये यहां पर हमने 1 डाल दिया, सैटरडे को ऑफ कर दिया और मंथली प्लानर में चले तो ये एक्टिविटीज एक्सेप्ट दैट एक्सेल क्वेरी सेशन जो सैटरडे को ही होता है वो सारी एक्टिविटीज यहाँ प्रीपोन हो गई। अब इसमें हमने यहां इसको यूज नहीं किया हुआ तो हम इस बटन को दबा सकते हैं सो दैट हाइट ठीक एडजस्ट हो जाए, सो दैट वे इट इज डिजाइन। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल सच थिंग्स जो यहाँ पे मेरे यहाँ पे आएंगी, D1 यानी कि लास्ट डे ऑफ द मंथ से 1 दिन एडवांस चलना है, और अगर हम यहाँ पे मान लीजिए D-3 कर देते हैं -3 तो लास्ट डे ऑफ द मंथ जो है उससे 3 दिन पहले आ जाएंगे हम। So this way it has been designed and we get this planner, और इस planner को screen पे लाने के लिए मैं थोड़ा सा reduce करता हूँ, ये आ रहा है, और हमने अगर Feb का देखना है we will just click it Feb और सीधा अगस्त पे चलते हैं, देखते हैं 15 अगस्त को छुट्टी दिखाता है क्या, ये
ये देखिए 15 अगस्त ये संडे वाले दिन आ रहा है और इसको हाईलाइट करके दिखा रहा है। रक्षाबंधन मैंने वहां प्रोवाइड की हुई है तो रक्षाबंधन को भी ये हॉलीडे दिखा रहा है, जन्माष्टमी को हॉलीडे दिखा रहा है, और इन दिनों में ये कोई एक्टिविटीज ऐसी नहीं दिखा रहा जो वर्किंग डे पर हमें नहीं करनी है, वो सब एक्टिविटी नहीं दिखा रहा। बट ये मेरे को क्वेरी सेशन इसी दिन ही अटेंड करना है तो यहाँ पे दिखा रहा है। सो दिस इज द टूल विच आई मीन आई कुड डेवलप विद द हेल्प ऑफ ऑफिस 365, विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज लर्निंग्स विच आई कुड गेट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म क्वेरी सेशन, उन सबको यूज करते हुए मैंने ये बनाया। और इसमें एक दो चीजों का और हमने ध्यान रखा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक सेकेंड। हमने एक टर्म सीखी थी विजय अग्रवाल जी से, कैरेक्टर 10 यानी कि ऑल्ट एंटर, वो भी मेरे को सीखने के बाद इसमें यूज करने का मौका मिला। जब मैंने इसको यूज किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, पहली एक्टिविटी के बाद जब दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो वो नेक्स्ट रो में जा रही है, और मैंने इनको भी सीरियली नंबर्ड किया 1 2 3 4, और इन सब के थ्रू ये सब बना। नाउ दिस इज अवेलेबल टू द मेंबर्स, वी कैन यूज इट अगर आपको अच्छा लगे तो। और कुछ जगह मैंने प्रोटेक्शन डाली हुई है, बट यूजर को कहीं पे भी वो प्रोटेक्शन के पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई हैव एंश्योर्ड दैट। फिर भी अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई एम ऑलवेज ओपन टू डिस्कस। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, ओवर टू विजय अग्रवाल जी, विजय गुप्ता जी फॉर टेकिंग इट अप फॉरवर्ड प्लीज। बहुत बढ़िया जी राकेश जी, मजा आ गया, आपने इतना बढ़िया जो है ना इसको यूज किया। भाई आई रिमेम्बर कि हमने जो ना रात को 11 बजे 10 बजे इसको डिस्कस किया था, मैं कहीं रास्ते में हूँ, मैं 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, और तब तक आप लोग कंटिन्यू करो, और उसके बाद जो है मैं लैपटॉप के ऊपर आ जाऊंगा। अभी मैं मोबाइल से ही जो है ना मैंने लाइन वो ले रखी है। जी जी जी, तो ये जो है इट इज अ फ्यूजन ऑफ लर्निंग एंड फ्यूजन ऑफ क्वेरीज। वन डे समटाइम्स अराउंड 11:30 और सो आई मीन आई वाज डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर थिंग, हमने 10 बजे स्टार्ट किया और 11:30 बजे तक वी वर डिस्कसिंग ऑन सर्टेन थिंग्स। आफ्टर दैट विजय अग्रवाल जी ने कहा कि मेरे पास एक क्वेरी आई हुई है, वुड यू लाइक टू हैंडल दैट, एंड दैट क्वेरी वॉज बेस्ड ऑन कि हमें मंथली प्लानर चाहिए जो D-1, -2, -3 और D+1, +2 इस फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड हो और वो वर्किंग डे पे इंफॉर्मेशन आए। तो आई कुड आई मीन मेक इट बिकॉज कुछ मैंने काम किया हुआ था कैलेंडर के ऊपर, और कुछ ये जो क्वेरी मिली और जो सीखने को मिला उसके बेस पे मैंने उसको प्लग किया। तो बिफोर दैट आई मीन के विजय अग्रवाल जी सुबह उठ पाते तो आई फिनिश दैट, आई सेंड इट टू हिम एंड ही लाइक दैट, आई थॉट आई मस्ट शेयर इट विद द मेंबर्स, और उसमें उसके बाद कुछ मैंने और फर्दर उसको फाइन ट्यूनिंग की, दैट वे आई हैव शेयर्ड इट। प्लीज सर, रियली इट इज कमेंडेबल, बहुत अच्छी अच्छी तरह से आपने बनाया है ये कैलेंडर। तो सर किसी को भी काम आता है, चाहे स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करता हो, कोई बिजनेसमैन हो, सबको काम आता है। इट्स वेरी वंडरफुली प्रिपेयर्ड सर, आई रियली अप्रिशिएट सर योर एफर्ट्स। थैंक यू मिलिंद जी, थैंक यू वेरी मच। सर ये शेयर जरूर कीजिएगा। सर ये ग्रुप में शेयर हो गया तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके बाद अब आगे बागडोर विजय अग्रवाल जी के पास है, वो विजय अग्रवाल जी जहां चाहे ही इज फ्री टू शेयर दैट। राइट जी, तो ये सेशन स्टार्ट होने से मैंने 5 मिनट पहले अपने ग्रुप में शेयर किया, एंड दिस इज बीटा वर्जन। व्हेन आई से बीटा वर्जन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब हम यूज करें कहीं आके ये प्रोग्राम हमें ठीक रिजल्ट ना दे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने डेज को हॉलीडेज से लिंक करने की कोशिश की तो मेरे पास एक चैलेंज आया, लाइक अगर 1 जनवरी को छुट्टी है, मैंने कोई एक्टिविटी डिफाइन की हुई है कि मैंने 3rd या 7th जनवरी तक मैंने सैलरी डिसबर्स करनी है। अब लेट्स प्रज्यूम 1 से लेके 7 दिन तक अगर सारे के सारे हॉलीडेज आ जाते हैं, छुट्टियां आ गई, मैं अवेलेबल नहीं हूं या व्हाटएवर रीजन, तो फिर उसको कहाँ दिखाए।
अगर वो दिसंबर में ले जाता 31 दिसंबर को, तो वो एक चैलेंज था। मतलब जनवरी वाली एक्टिविटी मेरे को जनवरी में नहीं मिल रही, जनवरी से पहले मिल रही है। तो ऐसे में मैंने उसको इस तरीके से कस्टमाइज किया कि अगर 1 जनवरी से प्रीपोन हो रही है एक्टिविटी, तो फिर वो उसको प्रीपोन नहीं करेगा, वो भूल जाएगा कि 1 जनवरी को हॉलीडे है या वर्किंग डे है, वो 1 जनवरी को दिखा देगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक्टिविटी वर्किंग डे पे आनी चाहिए थी, बट 1 जनवरी को हॉलीडे है तो 1 जनवरी को दिखाएगा जी। तो ऐसे ही कुछ चीजें, मतलब हो सकता है आप जब यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं इसमें फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे, या कहीं कोई बग है तो हम उसको उसको वी विल टेक इट अप। मैंने अभी इसको ओपन नहीं छोड़ा है, वो इसलिए नहीं छोड़ा है कि फार्मूलाज थोड़ा सा फ्यूजन है, कई जगह लेटेस्ट फार्मूलाज है और कई जगह मेरे बहुत पुराने फार्मूलाज लिए हुए हैं। तो ये मैंने कैलेंडर बनाया था जब एक्सेल पे, जब हम लोटस पे काम करते थे, तो उस टाइम के फार्मूलाज को यूज किया हुआ है। आज के फार्मूलाज वो थोड़ा सा फनी लगेंगे, हम कहेंगे जब ये चीजें अवेलेबल हैं तो पुराने फार्मूलाज पे क्यों जाए। तो इट्स फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, तो मैंने उसको इस वजह से हाइड कर दिया जी। सर मेरी एक क्वेरी है, इसमें ये अवेलेबिलिटी है कि समझो हमें कोई नोटिस आया है और हमें उसको 15 दिन या 30 दिन के अंदर हमें अटेंड करना है, तो अगर ऐसी कोई कॉलम है जिसमें हम डाल सके कि दिस इज द ड्यू डेट बाय विच वी टू रिस्पॉन्ड टू इनकम टैक्स। जी 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 जी, तो इसको हम दो तीन तरीके से वो कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, दिखाई दे रही है सर। जी जी, एक्सेल फाइल मैंने खोली हुई है। तो पहला तो ये कि हम एग्जैक्ट उस दिन करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक डे पे। जैसे ये 17 नंबर पे इनकम टैक्स हियरिंग, ये नोटिस है और मैंने एफ लगा दिया, ये फिक्स 13 जनवरी को ही अटेंड होना है 2021 को। ओके अब राइट सर, अगर इसको मैं प्रीपोन करना चाहता हूं और वर्किंग डे से लिंक करना चाहता हूं, तो मैं ये डाल सकता हूं कि मेरे को दिसंबर, मैं यहां डालता हूं दिसंबर 2020, मेरे को इसके ऊपर काम करना है और कितने दिन एडवांस में करना है। लास्ट मैंने बजाय इसके कि फ्लोटिंग लेता, मैंने लास्ट वर्किंग डे से प्लस माइनस किया है। तो दिसंबर के लास्ट वर्किंग डेज में मान लीजिए 10 डेज इन एडवांस एंड ऑफ द दिसंबर करना चाहता हूं, तो देन आई विल पुट डी माइनस 10। ओके, और इस पे मैं कहता हूं वर्किंग ऑन, वर्किंग टू बी स्टार्टेड फॉर इनकम टैक्स हियरिंग ए बी सी एंड कंपनी, जिसकी डेट मेरी 13 की है। तो मैं अब 13 से ना लिंक करके बल्कि मंथ एंड से लिंक करके करूंगा। मंथ एंड मैंने लिंक किया दिसंबर से, दिसंबर के एंड से 10 वर्किंग डेज, 10 डेज नहीं 10 वर्किंग डेज। तो हम देखते हैं दिसंबर 2020 में ये कहां अपीयर हो रहा है। लेट्स गो टू दैट। सबसे पहले हम कैलेंडर चेंज करते हैं, 2020 लाते हैं और दिसंबर लाते हैं। अगर मैं दिसंबर यहां से लेके आऊंगा इससे, तो मेरे को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं लिख के लाऊंगा यहाँ पे ऐसे दिसंबर, तो फिर मेरे को यहाँ पे इस बटन की हेल्प लेनी पड़ेगी और हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखें, हमने जो वो चीज लिखी थी, हम चलते, हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे लिखा था डी माइनस 10, 16 सीरियल नंबर पे हमने ये लिखा था। अब देखते हैं 10 वर्किंग डे पहले, ये तकरीबन 20, 10 और 20 के बीच में आना चाहिए, 10 और 20 दिसंबर के बीच में आना चाहिए। लेट्स सी, 20 दिसंबर मेरा ये रहा, इससे पीछे थोड़ा सा मैं इसको स्क्वीज करता हूं, ये अब ये कहां आ रहा है, लेट्स सी 17th में आ रहा है, 17th में, 17th, यस। अब ये 17 को आ रहा है, इसने जो 10 वर्किंग डेज लिए, लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
अब 10 डेज इसने यहां से आखिरी वर्किंग डे से एडवांस करके इसको यहां पे दिखाया। ओके अगर हमें लास्ट डे पे चाहिए तो हम डी प्लस जीरो लिखेंगे, मीनिंग देयर बाय लास्ट वर्किंग डे। हमें ये इसका थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, लास्ट डे को खाली डी नहीं लिखेंगे, डी प्लस जीरो लिखेंगे। डी प्लस जीरो, माइनस की जरूरत नहीं है लिखने की। अब इसी चीज को मान लीजिए लास्ट वर्किंग डे पे लाना चाहते हैं, हम चेंज करके देखते हैं। हमने डी प्लस जीरो कर दिया यहां, तो इट शुड कम ऑन 31st। लेट्स सी, 31st को आ रहा, ये 31st को यहां पहुंच गया जी। तो दैट वे हम आखिरी वर्किंग डे से लिंक करके डी प्लस और डी माइनस करके हम इसको ठीक जगह वहां पे देख सकते हैं जहां हम चाहते हैं। सो मिलन जी, और इससे आई थिंक आर यू ओके विद दिस? यस यस वेरी मच सर। ओनली द थिंग इज जो जो ड्यू डेट्स की जो टर्म्स आप यूज कर रहे हैं जहां पे 15 लिखा है, या तो एफ स्टैंड्स फॉर व्हाट, सैटरडे सिर्फ लिखा है, एच स्टैंड्स फॉर व्हाट, अगर वो टर्म भी अगर आप कहीं पे जिस डाउन कर दें लिख दें कि दैट मींस व्हाट। सॉरी आई बस मेरे को बताना चाहिए था, मैंने सबसे पहले जीरो कैरिंग रूल, और रूल में क्या लिखा है ईयर, ये चार डिजिट्स का आपने लिखना है। आपने दो डिजिट लिख के ये नहीं मानना कि अगर मैंने दो डिजिट लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली 20, वो कोइंसिडेंटली अगर आप नहीं भी लिखोगे तो वो एट प्रेजेंट जो चल रहा है 2000 वाला ईयर, वो लिखने या ना लिखने से फर्क नहीं पड़ता, बट ये इट इज बेस्ड ऑन 4 digits, आई मीन कंप्लीट डिजिट। अगर आप 20 लिख रहे हैं तो ये लेगा 0020, और कोइंसिडेंटली 0020 इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 2020। सो 4 यूज करनी, आप जो भी साल लिखेंगे, चाहे आप 1900 लिखेंगे, 1800 लिखेंगे, 1700 लिखेंगे, ये सारे के सारे साल लेगा। और अगर आप 2500 भी लिखेंगे तब भी ये उसको कवर करेगा, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। एक्सेल शायद सपोर्ट नहीं करता बट दिस विल सपोर्ट। उसके बाद जब हम ड्यू डेट पे आगे चलते हैं, फिक्स डेट के लिए आप F123 लिखेंगे, 123 इज ए कैलेंडर डेट ऑफ द मंथ और F इज फिक्स। बट जब आप खाली 123 लिखेंगे तो ये 123 को जब दिखाएगा, अगर उस दिन ऑफ डे है तो उसको प्रीपोन करेगा, पोस्टपोन नहीं करेगा। हम ये मान के चलते हैं कि हमने सैलरी अगर 7th को डिसबर्स करनी है, 7th हॉलीडे आ गया तो वो 7th से पहले होगी, 7th के बाद नहीं। इसी तरीके से अगर हमने TDS जमा करवाना है 7th को, 7th छुट्टी है और वो छुट्टी हमारी भी छुट्टी हो सकती है, और गवर्नमेंट की छुट्टी हो या नहीं हो उससे वो नहीं देखेगा, और वो उसको उठा के प्रीपोन करेगा। तो प्रीपोन कब करेगा? जब हम इसके आगे F नहीं लिखेंगे, और जहां हमें चाहिए कि वो फिक्स रहे तो हमें F डालना है। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही मंथली जो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ से काउंट करे डी प्लस वन, डी प्लस टू। सिमिलरली अगर माइनस से काउंट करना है तो डी माइनस वन, डी माइनस टू, और लास्ट वर्किंग डे के लिए हमने एक टर्म यूज करनी है, दैट इज डी प्लस जीरो। और उसके लिए अगर कोई हमने फिक्स डे यूज करना है तो हम मंडे ट्यूजडे वेंसडे लिखेंगे। मंडे ट्यूजडे अगर वीकली डे लिखना है, हम चाहते हैं कि हर सैटरडे हमने विजय अग्रवाल जी का क्वेरी सेशन हमने अटेंड करना है, तो हम उसके लिए सैटरडे यूज करेंगे। और कौन सा सैटरडे, पहला, दूसरा, तीसरा, वो हम अगले कॉलम में हम कवर कर सकते हैं, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू से डब्ल्यू फाइव तक, और जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक। इसके अलावा अगर हम कुछ लिखना चाहेंगे वो लिखने नहीं देगा, और बाय मिस्टेक उसमें W6 भी वैलिडेशन में आया हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। W6 हम लिख देंगे तो बट वो मीनिंगलेस होगा। और क्यों हर एक महीना, ये मैंने डिफाइन किया, सॉरी क्यों मींस नेचुरल क्वार्टर, क्वार्टर कौन से, जो मार्च एंड कर रहे हैं, जून सितंबर दिसंबर, ये क्वार्टर लेगा ये, ना कि हम इसको अलग से कोई नहीं डिफाइन कर सकते। अगर हमें अलग से डिफाइन करना है तो हमें स्पेसिफिक मंथ लिखना पड़ेगा वहां पर। एम लिखेंगे सारे मंथ, डब्ल्यू से लेके 5-1 तक लिखेंगे वो पर्टिकुलर वीक, और
in order to prevent wrong entries, data validation is active for correct data entries. Data validation is already there. यहाँ पर लिखने के लिए मैंने बड़े सारे स्कोप दिया है, 150 का स्कोप दिया है, बट आपको ये ऑप्शन नहीं दी है कि आप 150 से आगे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा पाएंगे. अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो अगर फार्मूलाज उसी हिसाब से अलाइन नहीं हुए तो गलत इंफॉर्मेशन आ सकती है. तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की है कि आप नहीं बढ़ा पाए इसको. 150 इज सफिशियंट एनफ, सो दैट वे वी कैन यूज दैट. मिलन जी, और कोई इश्यू इससे रिलेटेड? नहीं नहीं ये तो बहुत बेस्ट है, एकदम जी बेस्ट है सर. जी जी मैंने लगभग एक... राकेश जी बहुत ही शानदार. लाइक आपने जो है ना, हमने इतनी मेहनत जो की थी, आज वो मेहनत मेरे को लग रहा है कि देखो इन सब के साथ हम शेयर कर रहे हैं तो रियली बड़ा अच्छा लग रहा है. अदरवाइज क्या था, इतने दिन से या तो ये मेरे पास था या आपके पास था या फिर मैंने जिसके लिए बनवाया था उनके पास था ये. जी सर, जी सर. सर वो एक बिगनिंग थी, मतलब एक अच्छा लगा था, बट रियल क्रेडिट सर इस प्लेटफॉर्म को जाता है कि यहाँ से मैंने जो चीजें सीखी, कैरेक्टर 10, टेक्स्ट जॉइनिंग, फिल्टर और भी कई ऐसी चीजें, उन सब का मैंने यूज किया है इसमें, सो दैट इसका प्रेजेंटेशन अच्छी आए, अलग आए, वो सीरियली नंबर ऐड करे, ये सारी चीजें. तो वो मतलब हम अगर यहां तक इसको पहुंच पाए तो आई गिव फुल क्रेडिट टू यू एंड द प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय यू. ऑब्वियसली सर उसका पर्पज ही है प्लेटफॉर्म का, तो कि नई नई चीज हम सीख करके और कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट करें, कुछ नई चीज सब आपस में शेयर करें, पर्पज ही इस चीज का ही है. जी जी सर. एक कुछ मैसेज मैं पढ़ पा रहा हूँ. मैसेज में ये लिखा हुआ है, कैलेंडर की डिमांड की गई है. सर ये ग्रुप में है तो विजय अग्रवाल जी, सिंस इट इज अवेलेबल ऑन द ग्रुप तो आप अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं उन सब लोगों को प्रोवाइड करने के लिए. नहीं हाँ ठीक है, वो तो हम दे देंगे ना, वो या तो लाइक यूट्यूब लाइव करेंगे वहां पे हम इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, अदरवाइज जो है भाई दे देंगे इसको. तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें कहीं पे कोई इशू ये है, तो आई प्रोवाइड इट. जी ठीक है जी, आई एंश्योर दैट. जी सर, जी सर, प्लीज आगे आप प्लीज अकॉर्डिंगली टेकअप कर सकते हैं. जी हाँ जी, राजन जी कैसे हो सर? थैंक यू वेरी मच, आप बिजी थे और उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया, इट्स रियली नाइस ऑफ यू सर. राजन जी नजर नहीं आ रहे, आगे आगे आगे, सॉरी राजन जी तो है, आगे आगे आगे, आगे सर आगे, सॉरी. हाँ हाँ राजन जी, सर आज ये जो है I'm sorry कि आज ये YouTube पे लाइव हम नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है और ये जो है कल आपको 100% स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, क्या होता है ये जूम पे मैंने जो करेक्शन दिया हुआ है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे उसके ऊपर क्लाउड पे हो जाती है, तो सारी की सारी मेरी क्लाउड पे अवेलेबल होगी आपकी, और कल इसको जो है एडिट करवा के उनको आपस में जोड़ के और कल मैं इसको यूट्यूब पे सुबह ही मैं करवा दूंगा अपनी टीम से. राजन जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी राजन जी, राजन जी आवाज अभी भी नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही सर आपकी. नहीं आप आवाज नहीं सुन रहे. राजन जी क्या हुआ? मुझे लगता है वो दोबारा ज्वाइन करेंगे, शायद कुछ टेक्निकल इशू रहा. कर लिया, चलिए तब तक अगर किसी की आवाज आ रही है और अगर कोई क्वेश्चन हो. कर लिया राजन जी ने, अभी आवाज आ रहा है. ओह फर्स्ट टाइम आवाज आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, आवाज तो आ रहा है. हां हां यस. तो मैं विजय अग्रवाल जी से बोल रहा था हैप्पी न्यू ईयर, तो एज यूजुअल मैं जब भी कुछ बोलने जाता तो पहला मेरा म्यूट पे ही रहता है, मुझे बाद में. ओके सो मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, अगर थोड़ा 10-15 मिनट मतलब बहुत कुछ प्लीज 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 मिल जाएगा देखने के लिए, कुछ समझने के लिए. हाँ जी हाँ जी. मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ तो मेरे राइट. हाँ मैं एक सेकंड आपको जो है ना ये को होस्ट बनाता हूँ. ये को होस्ट बना दिया सर, अब आप कर पाओगे. तो अभी आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी जी बिल्कुल दिख रही है. ओके गुड.
सो कुछ डेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, कुछ शायद कुछ जन को पता हो, कुछ शायद कुछ जन को नहीं पता हो, तो जो जिसको जो पता है नहीं है वो कुछ, किसी को मुझसे कुछ ज्यादा पता है तो वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मैं गूगल शीट दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, आपको दिख रही है सबको? तो एक्सेल में जैसे बोला था कि हमारा ये जो लीप ईयर पकड़ा गया था 1900, बिकॉज वो लीप ईयर का कंसेप्ट वहां पे फॉलो नहीं किया था, तो हमारा जो फर्स्ट जो तारीख चालू होता है एक्सेल में वो 1 January 1900 है, और जिसका डे गलत दिखाता है टिल 29 February 1900, पहले जो 60 दिन है उनके लिए। तो अगर यही चीज अगर हम लोगों ने गूगल पे चेक किया, तो मैंने पहले डाला है March 1st, मेरा यह ईयर फर्स्ट है, तो मैंने March 1st डाला है मैंने, तो उसका सीरियल नंबर आता है वैल्यू करके तो 61 आता है, और ये थर्सडे देता है, which is matching as per Excel and Google Sheet. लेकिन इसको अगर -1 करता हूं, तो Google Sheet में ये already rectify किया जा चुका है। Google Sheet में जब किया था तभी ये 28 देता है, जबकि Excel इसको February 29 देता है, और serial number 60 इसका ठीक से आता है in case of Google Sheet. तो इससे हो क्या रहा है कि ये 30 दिन के लिए दोनों डेट्स में डिफरेंस है, गूगल का जो अपना ऑर्डर है और गूगल शीट का ऑर्डर है। तो इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जहां पे 1 January 1900 की शुरुआत होती है, ओके, तब की एक्चुअल में स्पीकिंग अगर मैं गूगल शीट में वही चीज देखूं तो 31 December 1899 को सीरियल नंबर 1 दिया गया है, बिकॉज ऑफ व्हाट दैट वन डे डिफरेंस, एंड दिस इज द करेक्ट। ये संडे ही था जो गूगल शीट बराबर बताता है, लेकिन एक्चुअली एक्सेल दिखाते टाइम 1 January 1900 को मंडे जो दिखा रहे वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वहां से पहले 30 दिन इनकरेक्ट है। और गूगल शीट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके पीछे में एक और पीछे जा सकता हूं मैं कैलकुलेट करने के लिए, मतलब सीरियल नंबर नेगेटिव में भी जाती है गूगल शीट में और उनके भी डेट्स आते हैं। सो ये एक पहली बात इंपॉर्टेंट कि जो एक डिफरेंस है एक्सेल में, और वो कभी भी वो मैच नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो लोटस से कंपेटिबिलिटी जो था शुरुआत से किया हुआ वो अभी तक वो कंटिन्यू वैसे ही करना है, बिकॉज सीरियल नंबर वही से स्टार्ट किया था, तो अभी वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता। लेकिन एज गुड एज टिल द टाइम वी आर हैविंग आवर करंट कैलकुलेशंस करेक्ट, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वेरी रेयरली पीपल विल गो टू दैट मच बिहाइंड फॉर कैलकुलेशन पर्पस। तो ये एक गूगल शीट और इसका पहले डिफरेंस मैंने आपको दिखाया कि वो दो डिफरेंस। पहली बात तो सीरियल नंबर गूगल शीट का चालू होता है 1 December 31, 1899, whereas एक्सेल का चालू होता है 1 January 1900 से, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी जाते हैं, उनके भी डेज दिए जाते हैं जो एक्सेल में डायरेक्टली नहीं आते। ओके, और इससे थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये अभी एक्सेल शीट आपके सामने है, दिख रहा है आपको? अच्छा, एक चीज आप इसमें बताओगे, इसके अंदर आप करो 28th फेब और लाइक 1900 एंड 29th फेब 1900 28th फेब 1900 हाँ, और 29th फेब और 1 मार्च 1900 ये देखिए। और इसका नहीं नहीं गूगल शीट में नहीं कह रहा मैं, एक्सेल में, एक्सेल पे। ओके, मैं नया शीट नया फाइल खोलता हूँ। ओके, ये देखिए 20 इसमें डेट फर्स्ट है, तो मैं डेट फर्स्ट डाल रहा हूँ। ये है, मैं 1 मार्च 1900 डालता हूँ, माइनस माइनस करके आता हूँ पीछे, और एक जिसने इसमें 2800 डाल, हाँ बस ठीक है। अब इनका सीरियल नंबर निकालो, वैल्यू करके सीरियल नंबर डालो। यस, सीरियल नंबर, हाँ ठीक है। और अब इसका डे निकालो, डे ट्रिपल डबल डी 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 तो इसका मतलब ये 29th को ये वेडनेसडे दिखा रहा है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसीलिए इनका सीरियल नंबर जो है गलत जा रहा है। नहीं, लेकिन ये जो ट्यूसडे दिखा रहा है, अगर 1 मार्च को हम बात करें, 1 मार्च को थर्सडे ठीक दिखा रहा है ये। 1 मार्च को थर्सडे ठीक है, दैट इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कुछ गलत नहीं है, इसलिए सीरियल नंबर आगे के कंटिन्यूअसली करेक्ट जाते हैं, और आज का दिन जो है वो भी बराबर दिखाता है। आज का दिन 28th फेब का गलत है, ये ट्यूसडे जो है 28th फेब, यस यस, तो गलत है ना? यस यस, ये सब इसके पहले के सभी डेट्स गलत है इनफैक्ट। ओके, तो ये एक फैक्ट हुआ, और इसलिए सीरियल नंबर जो चालू हो रहा है अभी एक आज का दिन डाल दिया मैंने 44197 फ्राइडे बराबर आ रहा है। 1 January 1900 जब डालता हूँ तभी इसका एक आता है और संडे आता है, जबकि ये मंडे था। तो ये सभी 60 दिन गलत आ जाते हैं एक्सेल में, जबकि इन्होंने क्या किया, गूगल शीट ने क्या किया कि उसको सीरियल नंबर स्टार्ट किया है जो, वो उन्होंने December 31st को पकड़ा है 1899 को, तो पहले 30 दिन भी ठीक आते हैं और उसके बाद के सभी दिन भी ठीक आते हैं, और उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को भी प्रायोरिटी दिया। एक ऐसा भी डेट है गूगल शीट में जिसका सीरियल नंबर है 0, इसके पीछे जाता है वो, और नेगेटिव साइड पे भी स्केलिंग है उसका। ठीक है, आगे बढ़ू मैं?
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओके अभी ये एक्सेल शीट आपके सामने है। अभी ये एक मजेदार चीज है आपके सामने। अभी एक मजेदार चीज क्या है पहले समझ लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ। और ये बहुत ही सिंपल है। पहले मैं छोटा था तभी जब मैं कुछ प्रोग्राम्स देखता था वो प्रोग्राम में बता देते कि अगर कोई आदमी अगर कोई डेट बोलता है तो उसका इमीडिएटली वो डे बता देता है कोई भी। तो एक्चुअली वो लोग बहुत एक्सपर्ट है कि वो लोग थोड़ा माइंड में कैलकुलेशन कर ले तो उतना फास्ट मैं नहीं कर पाता। लेकिन ऑब्वियसली अगर मेरा अगर उसका पर्पज मेरे को उसको कैसे करते हैं अगर मुझे पता हो तो मैं डेट से डे निकाल सकता हूँ। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम थी ये गूगल की नहीं एक्सेल की प्रॉब्लम जो पहले 30 दिन के गलत दिखाता है वो मैंने वैसे ही फाइंड आउट की थी वही मेथड से। बिकॉज मैंने कुछ डेट के डे निकाले और एक्सेल ने कुछ डेट्स के डेट दिए वो अलग अलग आए मेरे, जबकि मुझे 100% पक्का था कि मेरा कैलकुलेशन गलत इसलिए हो नहीं सकता वो मैथमेटिक्स पर डिपेंडेंट है। तो आज मैं सबके सामने थोड़ा प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है क्या जिससे आप कोई भी दिन का सॉरी मतलब कोई भी डेट का डे निकाल सकते हो एक्सेल से नहीं नॉर्मल एक्सेल आप कागज पेन लिख के भी आप उससे सॉल्व करते हो एकदम ईजी है एकदम ओके okay? तो ये मैं पहले क्या किया है देख लीजिए मैं सैंपल के लिए पहले बता देता हूँ कैसे आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने आज का दिन डाल दिया ये आज फ्राइडे आ रहा है। देखो ये तो नॉर्मल एक्सेल के हिसाब से फ्राइडे आ रहा है लेकिन मेरे कैलकुलेशन हिसाब से भी ये फ्राइडे ही आ रहा है ओके okay? तो मैं दूसरा कोई दिन डाल देता हूँ ओके okay? देख लीजिए यहाँ पे थर्सडे आ गया मेरा भी थर्सडे आ गया मेरे कैलकुलेशन से। तो ये तो एक्सेल का मेथड है दैट इज फाइन बट अगेन एक्सेल जैसे बोला स्टार्टिंग में कुछ गलत देता है लेकिन ये फॉर्मूला गलत जवाब नहीं देगा। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कोई भी पेज से भी आराम से कर सकता है कोई थोड़ा प्रैक्टिस कर दे खुद से तो वो भी उसको आराम से आ सकता है थोड़ा प्रैक्टिस मतलब एक दो सेकंड में वो जवाब दे देगा अगर वो उतना फास्ट कैलकुलेशन कर पाए तो। मजेदार चीज है जानने जैसी मजा आया जाएगा। चलिए मैं पहले दिखाता हूँ आपको पहले क्या होता है कि पहले ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर 1982 डाल दिया। अभी मैंने उसमें से डे अलग किया 30 अभी फॉर्मूला से किए दैट इज ओके बट आप मैनुअली भी कर सकते हो। सितंबर निकाला मंथ और सेंचुरी ईयर अभी ये सेंचुरी कौन सा था ये 20वां सेंचुरी था 1982 मतलब 20वां सेंचुरी करेक्ट द सेंचुरी ईयर इज 20th सेंचुरी बिकॉज नाउ अभी 21st सेंचुरी चलता है मैं अभी ये दिन का बात कर रहा हूँ इस दिन का और ईयर है 82 ये है ईयर 82। अभी मैंने क्या किया ये दिन को कैसे हम लोग करते हैं पहले तो दिन को लेते हैं 30 देन मंथ का इंडेक्स। अभी मंथ का इंडेक्स है क्या अभी ये मंथ है 9वां तो यहाँ पे मैंने कुछ मंथ के इंडेक्स बनाए आपके लिए ये जनवरी से के दिसंबर तक ये मंथ नंबर है अपने 1 से लेके 12 और ये मंथ के कुछ इंडेक्स नंबर है इसका मैं पीछे लॉजिक भी बता देता हूँ बाद में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है 144, 025, 036, 146 ये क्या है 12 का स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर है ये 6 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 इतना सिंपल है ये बाय हार्ट अपने आप हो जाएगा देख लीजिए सिर्फ नंबर्स ये मंथ के इंडेक्स नंबर्स है ओके मैं इसका लॉजिक बाद में बताता हूँ। तो अगर मैंने मंथ कौन सा ये 9 है तो मंथ 9 का इंडेक्स कौन सा आएगा तो 036 में जो था वो 6 आ जाएगा तो 9वां महीना देख लीजिए 9वां महीना सितंबर है तो इसका इंडेक्स नंबर आएगा 6। तो मैंने 30 दिन के बाद उसमें मंथ इंडेक्स नंबर जोड़ दिए 6। देन नेक्स्ट आता है अभी मैंने दिन का बात हो गया अभी मेरे महीने का बात हो गया अभी मैं ईयर की बात करता हूँ। ईयर में भी दो चीजें हैं पहली बात तो मेरे को सेंचुरी इंडेक्स नंबर निकालना है। सेंचुरी इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं तो इसका भी एक छोटा सा टेबल है वो भी बाहर करने जैसा कुछ नहीं है देख लीजिए 20वां सेंचुरी था उसका इंडेक्स नंबर 0 था 21st सेंचुरी जो अभी चालू है उसका इंडेक्स नंबर है 6 उसके बाद नेक्स्ट सेंचुरी का इंडेक्स नंबर होगा 4, 2, 0 अगेन इट विल रोटेट लाइक दिस एक साइकिल है 6420 6420। 18 सेंचुरी के पहले मैं गया नहीं बिकॉज हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है जो 16th सेंचुरी से चालू होता है वो भी एक पर्टिकुलर डे से 15 अक्टूबर 1582 उसके पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं था। तो आप ज्यादा से ज्यादा बैक कैलकुलेट इस तारीख तक ही कर सकते हैं उसके पहले भी कर सकते हैं लेकिन उसको कुछ मतलब नहीं रहेगा बिकॉज वो डेट्स अवेलेबल थे ही नहीं थे से वो अलग फॉर्मेट में थे जूलियन कैलेंडर के। तो अभी यहां से आप देख लीजिए मैंने क्या किया डेट निकाला डे निकाला मंथ का इंडेक्स नंबर निकाला सेंचुरी का इंडेक्स नंबर निकाला बिकॉज ये सेंचुरी था 20वां सेंचुरी और 20वां सेंचुरी का 0 था तो इसलिए मैंने सेंचुरी इंडेक्स नंबर 0। देन ईयर ईयर क्या था ये इसमें 82 है और ये तारीख का बात कर रहा हूं अभी मैं फॉर करंटली इसमें 82 है एम आई करेक्ट 82 डाल दिया। अभी ये इसमें कितने लीप ईयर कंप्लीट हुए बिकॉज हर फरवरी में हर 4 साल के बाद फरवरी में एक दिन बढ़ गया तो ऐसे कितने दिन बढ़ गए तो मैंने राउंड कर दिया उसको राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर बाय 4 और राउंड डाउन कर दिया मेरे को ऊपर का डिजिट नहीं चाहिए 20 के बाद का मतलब 20 लीप ईयर इसमें गए स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेंचुरी। आप समझ रहे हो मेरी बात इसमें टोटल कितने लीप ईयर गए 4 साल के 20 गए और ये नंबर को एड कर देते हैं तो एक मेरे को नंबर आता है 138। ये नंबर को 7 से डिवाइड करना है मॉड करना है उसका तो बैलेंस कितना बचता है तो मेरे पास बैलेंस बचता है 5। अगर मेरे पास बैलेंस बचता है 1 तो वो होगा संडे तो मेरे पास बैलेंस बचा है 5 तो इसलिए मेरा ये है थर्सडे।
ये है कैलकुलेशन इसके पीछे, मैं लाइव डेट का दिखा देता हूँ, आज का दिन डाल रहा हूँ 1 जनवरी 2100, यहाँ पे भी फ्राइडे आया है, यहाँ पे फ्राइडे है, थोड़ा कैलकुलेशन बदल गया, अभी देख लीजिए डे आएगा 1, कोई है नहीं है, सिंपल है, मंथ इंडेक्स नंबर ऑल्सो विल कम 1, बिकॉज जनवरी स्टार्ट होता है तो उसका मंथ इंडेक्स नंबर है 1. देन सेंचुरी ईयर क्या होगा इसका, ये अभी आ गई 21st सेंचुरी, इसलिए इसका सेंचुरी ईयर होगा 6, ये हो गया सेंचुरी का नंबर. तो उसके बाद ईयर कितने हैं टोटल, टोटल 21 ईयर्स हो गया अभी, यस 21, तो ईयर 21 मैंने डाल दिया बिकॉज 2021 का 21 ले लिया. इसमें लीप ईयर कितने हुए, लीप ईयर हो गए इसमें 5, 2004, 2008, 2012, 16, 20, इस तरह से, तो 5 लीप ईयर हो गए इसमें. मैंने क्या किया, डायरेक्टली जो बचा हुआ ईयर है उसको 5 से डिवाइड कर दिया और राउंड डाउन कर दिया, ये 5, तो मेरा टोटल आ गया 34 से 7 से डिवाइड कर दिया तो मेरा मॉड आता है 6 इसके लिए, तो 6 इज फ्राइडे, इसके हिसाब से मेरे को फ्राइडे आ जाता है. ये एक मैथमेटिकल तरीका है जिस हिसाब से आप कोई भी डेट से डे निकाल सकते हो. और यहीं पे गलती हुआ था, जब भी मैंने कोई वो जनवरी फरवरी 28 के पहले के जब भी डेट डाल के देखे 900, तो मेरे जो एक्सेल ने दिए थे वो कुछ वार अलग आए थे और मेरा जो आंसर आया था अलग आया था. तो तभी मैंने ये फाइंड आउट किया था कि एक्सेल ने 29 फरवरी 1900 का डेट उसने पकड़ा था. अभी एक ही ये सब कैलकुलेशन ही फुल प्रूफ है बिकॉज ये मैथमेटिक्स है, इसमें कोई गलती कभी नहीं हो सकती, भले एक्सेल गलत हो जाए कंप्यूटर गलत हो जाए लेकिन ये तारीख तो वैसे ही रहेगी बिकॉज दिस इज प्योरली मैथ्स. अभी मैं आपको बताने वाला था लॉजिक क्या है इसमें, इसका पीछे एजम्पशन देखिए. अगर हम लोग एज्यूम करें कि कोई भी साल इरिस्पेक्टिव व्हाट एवर ईयर, अगर मेरा जनवरी आता है, जनवरी का पहला दिन आता है अगर समझो संडे को, तो फरवरी का दिन देखिए एक के बाद 4 डाले, मतलब 3 दिन बाद ही होगा, मतलब संडे अगर आता है तो वो मंडे ट्यूसडे वेनसडे ही होगा एक के बाद, क्योंकि 31 दिन होते, तो 28 दिन कंप्लीट प्लस 3 डेज जनवरी कंज्यूम कर लेगा, नेक्स्ट डे आ जाएगा फरवरी में. और फरवरी और मार्च का मंथ एंडेज देखिए सेम है बिकॉज फरवरी में एजम्पशन है 28 दिन का, तो मार्च भी वही तारीख वही वार से चालू होता है जो वार से फरवरी चालू होता है, इसलिए यहाँ पे भी 4. कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे तो अप्रैल का 0 चालू होगा बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे 0 नहीं है, 7 है, लेकिन 7 मॉड में तो वैसे भी चला जा रहा है, तो 7 रखो या 0 रखो तो 0 से चालू कर सकते, इसलिए कोई भी नंबर 7 के ऊपर नहीं है यहाँ पे. तो ये है मंथ इंडेक्स का लॉजिक. One second, I have a doubt there. Can I complete this first? Sure. Yeah. Let me complete the entire cycle, then we'll have doubts. तो ये इस तरह से मंथ इंडेक्स नंबर डिराइव किए. तो अपने को सिर्फ आइडिया दे दिया आपको. अभी आपको ये अगर बाहट हो गया तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये सिर्फ इतने नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 नंबर अपने अगर दिमाग में अपने बिठा लिए, कैलकुलेट करके उनका सम कर लिया, डिवाइड बाय 7 कर लिया, तो मॉड्यूलस जो भी आपको बचता है तो यहां से लेके आप किसी भी तारीख का वार बता सकते हो. सिंपल, एक ही एक्सेप्शन है इसमें, एक एक्सेप्शन, वो भी एक्सेप्शन ऐसा नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है अगेन. अगर कोई लीप ईयर का दिन पकड़ा जाता है, लीप ईयर का, फॉर एग्जांपल 2021, तो मैं एक तारीख पकड़ता हूँ, देख लीजिए मैं तारीख पकड़ता हूँ फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त 2020, देख लीजिए यहाँ पे देखिए तारीख आ गया, मेरे इसमें कैलकुलेशन में एरर आ गया, लेकिन एक एरर नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, ये एरर नहीं है इसमें. हम लोग क्या करना है, जब भी हमारा लीप ईयर का ये आ जाता है, लीप ईयर का आ जाता है और कोई भी तारीख, देख लीजिए यहाँ पे डे आ गया 15, मैंने यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ किया होगा, देखिए 15 तो आ गया, मंथ इंडेक्स नंबर 3 आ जाएगा बिकॉज ये 8 है, 8 के सामने 3 आ गया मेरा, तो ये मंथ इंडेक्स नंबर भी ठीक से आ रहा है. सेंचुरी ईयर, अभी सेंचुरी ईयर कौन सा आएगा इसमें, ये 21st सेंचुरी है अगेन, तो सेंचुरी इंडेक्स नंबर तो चेंज नहीं होने वाला, मेरा 6 आ गया. देन ईयर आ गया मेरा 20 साल कंप्लीट हो गए. अभी लीप ईयर कितने कंप्लीट हो गए, तो इसमें 5 लीप ईयर कंप्लीट हो गया, तो मेरा टोटल आ गया 49 को मैं 0 कर देता हूँ, तो मेरा 6 और ये लास्ट वाला सैटरडे मैंने इसमें डालना रह गया था मेरा, तो ये वी लुकअप का मेरा थोड़ा सा ये हो गया, तो ये होगा सैटरडे. तो देख लीजिए, सॉरी 0 सैटरडे क्यों नहीं पकड़ रहा है, हाँ क्योंकि मैंने एग्जैक्ट मैच नहीं पकड़ा था. ओके, तो ये आ गया सैटरडे, ये भी आ गया सैटरडे, लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू सी, इफ आई पिक एनी डेट विच इज prior to February, which is prior to 29 Feb, let us assume that I am taking 1st February 2020. देख लीजिए यहाँ पे Excel ने बताया Saturday, मेरा आ रहा है Sunday. Reason इतना simple है कि जब भी कोई भी दिन अपने को अगर जिसका जिसका वार बताना है वो अगर February के पहले हो और वो leap year हो, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा वो 29 का एक cycle complete नहीं हुआ है. Because यहाँ पे मैंने 5 leap year का assumption पकड़ा है, जो जबकि 5 leap year मेरे complete नहीं हुए, मेरे 4 ही leap year complete हुए हैं. तो ये एक exception है. यहाँ पे हम लोगों को कभी भी जनवरी और फरवरी की अगर तारीख बतानी है तो हम लोगों को पहले ये चेक करना है क्या वो लीप ईयर तो नहीं है. इफ दैट इज अ लीप ईयर तो मेरे को टोटल में से माइनस 1 करना है, दैट्स ऑल. मेरा टोटल आ रहा है 35 36 आ रहा था, उसमें से माइनस 1 कर दूंगा तो मेरा बचेगा 0, और जैसे ही मेरा 0 बचेगा तो मेरा भी सैटरडे आ रहा है और यहाँ पे भी सैटरडे आ रहा है.
ये हो गया अपना एक एक्सेप्शन हम लोग हैंडल कर सकते हैं जब भी मैनुअल कैलकुलेशन के टाइम। तो ये हो गया एक पूरा मेथड, इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही मेरे मेथड, मैंने ये जो जब फॉर्मूला बनाया था इसके अंदर जो एक्सेल जो डेट दे नहीं पा रहा था, मैंने पीछे जाके ये सब जो किया था, इफ यू रिमेम्बर मैंने फाइल पहले भी शेयर कर चुका हूँ अभी भी ग्रुप पे, इसके पीछे ये जो भी फंक्शन बनाया मैंने इसके अंदर यही लॉजिक बिठाने का कोशिश किया है कि अगर मैं ये सब कर पाऊं और मुझे करेक्ट डेट अगर बता रहा है तो मैंने खुद के लिए चैलेंज लिया था कि बॉस मैं किस तरह से डिराइव कर दूं ये सब, बिकॉज एक्सेल ऐसे डेट्स डालने पर इनवैलिड डेट बताता है बिकॉज वो डेट्स नहीं वो टेक्स्ट है, लेकिन फिर भी मुझे अगर उसके अगर तारीख या वार निकालने हैं, अगर एक्चुअल में डेट इनवैलिड है तो इनवैलिड भी करके दिखाना है, तो उसके लिए मैंने ये इसलिए बताए थे। यू कैन सी दैट दीज आर 1582 से लेके मैंने वो स्टार्ट किया है और यहाँ से हम लोग को सही के सबके सही सब डेट मिल रहे हैं। तो ये था ये लॉजिक इसके पीछे बनाने के लिए, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप किसी को करना चाहते हो आप खुद भी चेक करके देख सकते हो कि डेट्स परफेक्ट आते हैं। ओके, तो मैंने मेरे साइड से कंप्लीट कर दिया है, कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ट्राई करेंगे प्लीज 31st December 2000 ये देख लीजिए, ये आ गया सैटरडे, मैंने एक माइनस किया था उसको निकाल रहा हूँ मैं अभी, ये आ गया मेरा मंडे 2000, ये इसका सेंचुरी ईयर, इसका सेंचुरी ईयर इसमें गलत पकड़ा है ना, बिकॉज ये इसका इसका सेंचुरी ईयर आ जाएगा ये 2000 है ना, इसका मतलब ये आएगा 20th सेंचुरी, इसका सेंचुरी इंडेक्स ये है, मंथ इंडेक्स नंबर बराबर, इसका 21st सेंचुरी पकड़ रहा है वो 6 आएगा यहाँ पे। ये मैंने मैनुअल, ये मैंने आपको दिखाने के लिए मैनुअल किया है सर जी। सर ठीक है, तो ये 20 आ रहा है ना, इसको ये 21st सेंचुरी पकड़ना चाहिए लास्ट ईयर में सेंचुरी को, या कोई भी दूसरा दिन सैंपल पकड़ सकते हो, इसमें सेम आएगा। तो ये एक मेथड है, क्योंकि इसमें ये क्यों हुआ है, बिकॉज इसमें 2000 को 21st सेंचुरी में कंसिडर किया जाता है, बिकॉज ये जो पार्ट है ये डिनोट करता है दिस इज फ्रॉम 21st सेंचुरी, एक्चुअली स्पीकिंग दिस इज अ पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, बिकॉज जब तक 30 दिसंबर के 31 दिन पूरे नहीं होते तब तक 2000 साल कंप्लीट नहीं होता। मुझे याद है 20 साल पहले यही चीज हुआ था कि 1900 के बाद, सॉरी 1999 के बाद 1st दिसंबर क्या हुआ था, 1st दिसंबर 2000, यस करेक्ट, तभी लोगों ने पार्टी की थी कि बस नया सेंचुरी आ गया, लेकिन वहां पे तो एक्चुअली 99 ईयर्स ही कंप्लीट हुए थे, नया साल तो एक साल बाद में चालू हुआ था नया सेंचुरी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? मेरा एक क्वेश्चन था, वो मंथली इंडेक्स जो था ना, इसमें जो आप लगा हुआ है डिफरेंस, दैट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ द मंथ राइट, जनवरी 1st से फरवरी 1st को कितना दिन फर्क रहेगा, वही इंडेक्स है, करेक्ट, दिस इज द डिफरेंस। अगर डिफरेंस 7 के ऊपर जा रहा है तो उसको 0 कर दिया, आ गया तू मार्च का 4 का बिना 3 हो जाता है ना, नहीं 4 का 4 आएगा ना, देखो फरवरी में 28 दिन का मैं बता रहा हूँ, मार्च का बता रहा हूँ मैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, 29 होता है ना जब लीप ईयर आया तो, हाँ तो इसीलिए तो लीप ईयर जब आता है तभी मैं मैन्युअली कम कर देता हूँ यहाँ से, एक मैन्युअली कम करना पड़ेगा वो, यस, इसीलिए लीप ईयर अलग काउंटेड है, देखिए लीप ईयर कंप्लीट कितना है वो मैन्युअली काउंट इसलिए किया जाता है। ओके ओके, नहीं तो वो लीप ईयर अगर मैं काउंट नहीं करूंगा तो ये हमेशा से ये मेरा ये है ना, ये 4 का 4 ही रह जाएगा हमेशा, वो 5 नहीं होगा कभी, इसलिए ये एडजस्टमेंट यहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट वाला जो जितने बढ़ाने हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। ओके ओके, वेरी गुड राजन जी। अब मैं जो है ना, आपने जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक स्टार्ट किया है, जैसे अब मैं एक फाइल आपको शेयर करता हूँ तो मेरे को याद आ गया, जब मैंने एक्सेल स्टार्ट किया था तो 2000 के अंदर, 2000 के अंदर मैंने, आज से करीब 20 साल पहले मैंने इसका एक कैलेंडर बनाया था जो आपने बनाया है राइट, तो वो फाइल में अभी आपसे बात करते करते मैंने पुरानी जो है ना अपनी वो देखी, उसके अंदर हिस्ट्री, और वो फाइल मेरे को मिल गई है, तो अभी मैं वो फाइल खोलता हूँ आपको और मैं आपको शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने किया था। तो मैंने, क्योंकि मैं जब मैथमेटिक्स में पढ़ता था 5th क्लास में 6th क्लास में, तब हमारे पास ये क्वेश्चन होता था कि कैसे आपको डे निकालना है, तो उसका जो मेथड था मैंने एक्सेल के अंदर उसको मैंने पूरा किया था प्रोग्रामिंग, 2000 की वो फाइल मेरी मेरे को मिल गई है, तो अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, आप देख करके, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग फाइल बनी हुई है और वो मैंने काफी लोगों को मैंने शेयर की थी। तो ये देखिए मेरी जो फाइल है, ये मेरी जो है ना, मैं इसको ऐसे भेजता था, ये जो है ना, ये मैंने क्रिएटेड बाय, ये मेरी पुरानी आईडी है, लाइक जो है ना, जिस टाइम मैंने सबसे पहली मेरी आईडी जो बनी थी USA.net में बनी थी, और ये मेरा फोन नंबर रेजिडेंस का, इसको मैं प्रोटेक्ट करके मैं भेजता था। अब ये जो फाइल, ये जो मेरी बनी हुई है, जैसे ये मेरी 2000 उसकी है, लाइक जो है ना, मैंने अभी ये डेटा ढूंढा, जैसे इसके अंदर यहाँ बर्थ रिजल्ट, ये देखिए इसके अंदर डे ऑफ एनी डेट, डेट मॉडिफाइड 15/6/2001 2001 की जो है ना, और ये उसमें 97 वाला जो वर्जन है उसके अंदर ये पड़ी हुई है फाइल राइट।
31/1/2002 अभी मैंने इसका नाम चेंज करके और ये दूसरी फाइल मैंने ये बनाई है जैसे, राइट। तो अब इसके अंदर मेरा जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, जैसे जो मैथमेटिक्स मैंने लगाया था उसके हिसाब से, तो यहाँ पे आप कोई भी डेट दो, मंथ दो, ईयर दो और यहाँ पे आपका डे आ जाएगा उसका। ये मैंने फाइल लोगों को पता नहीं कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की थी उस टाइम एक्सेल के अंदर। अब इसके अंदर मेरा क्या लॉजिक चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा जो फंडा इसके अंदर जो चल रहा है ये आप देखिए जी, इसके अंदर कैसे इसमें चल रहा है, ये तीन चीज जो ब्लू कलर है ये मेरी वहां से आ रखी है, 1970 ईयर से आ गया, ये मेरी जो डेट है वो वहां से आ गई और यहाँ पे मंथ जो है -1 करके आ गया। लाइक ये फंडा की जो है ना कितने कंप्लीट मंथ है, वो कंप्लीट मंथ मेरे यहाँ पे आ गए क्योंकि 9th मंथ सितंबर मेरा स्टार्ट हो रखा है, तो यहाँ पे मैंने 8 मंथ कंप्लीट हो गए। अब इसका जैसे मैंने जो ये ईयर ले रहा हूँ 1970 है, तो 1970 के अंदर मैंने उसको डिवाइड किया, ये 1970 है तो इसके अंदर मैंने फ्लोर का फॉर्मूला लगाया, ये देखिए फ्लोर का, और यहाँ पे मैंने 100 से डिवाइड किया तो ये 1900 मतलब मेरी ये चीज आ गई, और यहाँ पे प्लस ही इसमें माइनस होकर के 1970 मेरे आ गए, राइट। ये इतना वही चीज समझ में आ रही है आपको यहाँ तक, मेरे पास कैसे कैसे ये आया, 1900 आया, 70 आया मेरे पास। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मेरे जो 1970 है तो कंप्लीटेड ईयर मेरे कितने हैं, 1969 है, राइट। तो उसको मैंने 1969 को 400 से डिवाइड करना है, फ्लोर मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, 400 से डिवाइड किया 1600, तो 1600 अगर ये फ्लोर से डिवाइड किया जो इसका जीरो वैल्यू आएगी हमेशा, मतलब इसका जीरो जैसे डेज आगे, अगर ये जैसे 2001 आएगा, 2020 आएगा, तो यहाँ पे अगर 2000 हो जाएगा जैसे, अब अगर सपोज करो ये मैंने 2019 कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2000 हो गया जैसे, राइट। अब इसके बाद 1969 में से 1600 माइनस गए तो 369 मेरे इयर्स हो गए। अब ये 369 को फिर मैंने डिवाइड किया, कैसे किया, 100 से डिवाइड किया जैसे, यहाँ पे 300 आ गए, 300 को मैंने ये जो किया यहाँ पे इसके अंदर मैंने ये क्या लिया है, जैसे इसके अंदर इफ D11 बराबर 100 तो 5, अगर ये 200 है तो 10 लेना है और 300 तो 15 लेना है, जबकि मैं इसको दूसरे फॉर्मूले से, तो मैंने पुराने जब मेरे को फॉर्मूले आते नहीं थे तो मैंने लगा रखा था, अदरवाइज तो मैं सिंपली भी इसको कर सकता था, डिवाइडेड बाई 100 किया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट कर सकता था मैं काफी, मतलब 100 के अंदर मेरे को 5 लेना था, 200 में 10 लेना था और 300 में 15 लेना था, राइट। अब इसके बाद मैंने 69 में 69 लिया पूरा, फिर ये मैंने इसके अंदर लीप ईयर निकाले इसके अंदर, तो ये ट्रंक का मैंने फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 17.3 डिवाइड किया और यहाँ पे कंप्लीट मैंने 17 आ गए। फिर इसके बाद 5 दिन का मतलब ये जो 5 आया मेरे पास वो किस कैसे आया यहाँ पे, कि मैं C5 को, C5 मेरा कहाँ पे है, ये वाला जो ये महीने है मेरे, तो उसके लिए मैंने ये दिया कि 8वें महीने में मेरे को कितनी वैल्यू डालनी है, 8वें महीने में मेरे 5 की वैल्यू डालनी है यहाँ, अगर ये पहला महीना होता तो 3 की वैल्यू डालनी थी, दूसरा महीना होता तो 3 की वैल्यू डालनी थी, ये मेरी वैल्यू मेरी फिक्स है, जैसे यहाँ पे महीने वाइज मेरे को वैल्यू डालनी है यहाँ पे, ये जो है ना, ये जो डाली मैंने इसके अंदर, ये डाली है मैंने C5 के अगेंस्ट में B4 इसके अंदर, यहाँ पे जो भी महीना मेरा ये यहाँ पे आ रखा है यहाँ पे, इसके बेस पे मेरे को यहाँ पे वैल्यू डालनी है, कि पहला महीना है तो 3 वैल्यू, दूसरा है तो 3, तीसरा है तो, अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे मेरे को 0 आएगी वैल्यू मेरी, ये VLOOKUP लगा रखा है मैंने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब इसके बाद ये 9 मेरा हो गया, 9 तारीख हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या बता रहा है ये, इफ C5 लेस देन 2, C5 मेरा क्या है, ये वाला, अगर ये लेस देन 2 है तब तो ये आएगा 0, अदरवाइज इफ G1 बराबर है 0, G1 का है मेरा, G1 है मेरा ये वाला जो यहाँ पे जो आ रखा है यहाँ पे, ये मेरा क्या रखा है यहाँ पे G1, यहाँ पे देखिए D, ये मेरा आ रखा है फ्लोर विजेट D11, D11 मेरा कहाँ पे गया, ये 369 ये, तो इसके अंदर D11 के अंदर मेरे पास है 300, तो उसको मैंने 4 से ये डिवाइड कर रखा है यहाँ पे, और इसके बाद मैंने क्या कर रखा है D11 माइनस F1, इसके बेस पे मेरे पास क्या आया यहाँ पे माइनस F1 विजय D11 D11 मतलब विजय का दूसरा शीट है, पहला शीट है विजय बोला, तो फर्स्ट शीट, पहला शीट, पहला फर्स्ट शीट, हाँ 1970, तो 1970 का इसने कुछ ये माइनस F1 इसके बेस पे इसने ये 2 निकाल दिया यहाँ पे, और इसके बेस पे इसको मैथमेटिकली क्योंकि मैंने पहले बनाया था
लेकिन ये जो है पूरी कैलकुलेशन होती है, इसके डे आकर के प्रॉपर काम करेगा। अब अगर मेरे को केवल इतने फॉर्मूले लगा रखे हैं जिसको मैं कंप्लीट करके एक सिंगल फॉर्मूला भी आजकल के जो फॉर्मूले हैं उसके बेस पे मैं बना सकता हूं, जैसे आपने बना रखा है, एंड आई फील कि जो फॉर्मूला जैसे हमारा बड़ा बना हुआ है, अब जो नए नए फॉर्मूले आए उससे काफी छोटा किया जा सकता है इसको। yes. सेम चीज। तो अभी अगर इसके अंदर अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं हम, तो आप देखिए इसकी कैलकुलेशन सही आएगी कि नहीं आएगी। कोई भी साल अगर आपको लगता है जैसे, और आपका भी कैलेंडर है जैसे, कौन सी चीज इसमें देखनी है हमारे को बताइए। डेट डाली है 31 दिसंबर 2000। तो मैंने इसके अंदर डाला 31 दिसंबर और यहाँ पे डाल दिया 2000। ये संडे आ रहा है जी। संडे आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है सर। यही चीज, यही सेम जो आपने बनाया वो लगभग उसी टाइम मैंने भी बनाया, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर दूं, सेम लॉजिक लगाया। लेकिन प्रॉब्लम मेरा इतना ही था कि मैंने भी ऐसे तीन अलग अलग सेल बनाए जबकि मुझे डेट एक ही सेल में एक्सेप्ट करना था। रीजन बीइंग यहाँ पे एक थोड़ी तकलीफ ऐसी है कि यहाँ पे मुझे डेट्स, डेट मंथ और ईयर अलग अलग डालने पड़ते थे जब भी जिनको शेयर किया था। लेकिन लोग चाहते थे कि वो एक ही सेल में वो डाले और फिर भी उसका डे आए, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर 1900 के पहले अगर डेट आते हैं तो उसका कैलकुलेशन नहीं होता था। नहीं, लेकिन उसका कैलकुलेशन तो हम, अगर किसी ने डाला एक्सेल के अंदर और इसमें डाल दिया 31/12/1899 डाल दिया जैसे इसके अंदर, तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली एज ए टेक्स्ट ले लेगा। तो इसको हम लेफ्ट राइट करके इसको हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं उसको। करेक्ट करेक्ट, यही तो करना पड़ता है। और उसमें बाद में वो चेक भी करना पड़ता है कि लीप ईयर नॉन लीप ईयर। नहीं, वो जो है ना, इसका ये फंडा है, ये एक्चुअली हमारे को सिखा रखा था जो नॉन लीप ईयर की, अगर आपका ये जो है 1999 है, इसको 400 किया मैंने, 400 से डिवाइड किया, तो इसको मेरे को 400 से डिवाइड करना है। अरे 400 वाला, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 400 वाला, और उसके अलावा मेरे को 100 से डिवाइड करना है फिर। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आपके लीप ईयर जो है ना, आपके ये आ रखे हैं यहाँ पे 15, 100 के केस में 5, 200 के केस में 10 और 300 के केस में 15। ये जो वैल्यू बना रखी है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये मैथमेटिकली प्रॉपर बुक्स के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन बना हुआ था उसमें। मैथमेटिक्स, यस, प्योर मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। तो इसके बेस पे मुझे जब भी मुझे अब तक ये चीज पता नहीं चला कि अगर ये सब इतना सब ठीक है, सबको सब पता है, तो एक्सेल ने 29 फरवरी कैसे उठा लिया। नहीं नहीं, वो 29 फरवरी जो उठाया ना, वो मेरे को लगता है जो लोटस में था, क्योंकि लोटस से लोग, लोटस में गलती थी वो, और लोटस जो चल रहा था वो मे भी काफी पहले, मेरे को लगता है वो 90 से भी पहले जो है ना लोटस बन गया था। हाँ नहीं, लोटस का तो ये गलती है, लेकिन अभी एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जब ये सी में जब ये प्रोग्रामिंग की थी, तभी 1972-74 के आसपास जब सी आया था, तभी भी वो उन्होंने मैक, क्या बोलते थे पहले वाले जो 50s के आसपास जो कंप्यूटर बनाए थे, मैक मशीन्स वगैरह, तो उनमें भी उन्होंने वही गलती करके रखी है। तो इसलिए कंपेटिबिलिटी की ओर रखना पड़ेगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक ऐसा छोटा सा चीज है कि जिसको, जो नहीं होनी चाहिए थी, मतलब ये गलती है, ऐसा मुझे, मैं समझता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना जी, कोई पुरानी जैसे उनके प्रोग्राम्स हैं और हैं, तो उनको लगता है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलती आ रही है, चलती आ रही है बस। ये विजय जी, लेट मी आंसर दिस, कि ये गलती क्यों, इसकी फिलॉसफी क्या है। पहले जब कंप्यूटर बने तो ईयर के लिए सिर्फ 2 डिजिट्स दी गई, और 2 डिजिट्स दी गई वो 100 साल से ज्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने इसकी एप्लीकेशन ये मान के कि 1 जनवरी 1901 इज इक्वलेंट टू 01, और 01 को जो डे आता है उसके बेस पे उन्होंने सारी कैलकुलेशन की हुई थी। तो हर सेंचुरी में जैसे हम सेंचुरी स्विच ओवर करते हैं, 4 सेंचुरीज तक यानी कि 400 सालों तक वो डे शिफ्ट होता है, और 400 सालों के बाद वो सर्कल बन जाता है, साइकिल बन जाता है, और वही चलता है। अब क्योंकि उन्होंने 2 डिजिट्स ली हुई थी, वो 100 ईयर्स के लिए थी, और वो 100 ईयर्स 1 जनवरी 1901 से बेस पे स्टार्ट थी। अब अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो वो पीछे के लिए वो थी नहीं। अगर हम मान लीजिए लिखते हैं 1899, तो कंप्यूटर सही मायनों में वो 1899 को नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहता था, वो 1999 को रिकॉग्नाइज करना चाहता था। तो 2 डिजिट्स में होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अब मतलब जब की बात ये है कि ये सारा कुछ होने के बाद एक्सेल ने आज तक इस चीज को सवारा नहीं। आपने जब ये ज्वाइन किया आज सेशन, उससे पहले ज्वाइन करने से पहले हमने इसी चीज को टेकअप किया कि 29 फरवरी 1900 जो नहीं हो सकता वो आज भी एक्सेल में आ रहा है। तो हमें इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमें एक्सेल को एड्रेस करना चाहिए कि आज तक आपने इस गलती को सुधारा नहीं है, सुधार लेना चाहिए।
पहले तो लिमिटेशन थी दो डिजिट्स की जब लोटस में काम करते थे, अब क्योंकि हम एक्सेल में कर रहे हैं और दो डिजिट्स की कोई लिमिटेशन नहीं है तो इसको सुधारा जाना चाहिए। जी टू ऐड टू दिस, actually I worked on a PC which had a floppy disk, actually I'm talking about 89-90 before, usme kya hota tha bios mein jaake date set karna hai to kali two digits ka le raha tha, wo bios ka problem tha pehle, not the software problem, wo bios hisab se wo date leke ban raha tha, usi time pe kya ho raha tha wo two digits hi maan raha tha, wo you could not store four digits years in the bios, that is where this all came. Actually if you see the evaluation probably when you add this 2000 bug, they call it as a bug, and if you see so many people had inserted cards and all to make your computer, you know, complaints of 2000, wo baad mein hi four digit ka year lena pada, I mean systems pe le raha hai, before that 2000 all systems used to take only two digits in BIOS. This is my own experience and you know I've seen it practically. Actually mujhe yaad hai iske bare mein ek mazedar cheez, जब भी ईयर मतलब 2000 ईयर के टाइम सुरभि करके प्रोग्राम लगता था दूरदर्शन पे, उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज Y2K प्रॉब्लम, मतलब वो जो सवाल पूछते थे व्हाट इज Y2K प्रॉब्लम, तो तभी ये मुझे पता था, मैंने जवाब दिया था लेकिन मेरा वो कार्ड में से तो नंबर नहीं आया, लेकिन पहले बार मुझे चलो कुछ ऐसा लगा कि मुझे कुछ तो आया क्योंकि मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता था उसके पहले, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग टू नो कि Y2K, क्योंकि मैं भी देखता था बैंक में भी वो सिर्फ काला पन व्हाइट एंड ब्लैक कंप्यूटर होता था, सिर्फ ब्लैक ब्लैक इस पे कुछ व्हाइट में लिखना है, इमेज ऐसा कुछ नहीं होता, और विंडोज 98 भी बहुत जगह एप्लीकेबल नहीं हुआ था, सब कुछ सिर्फ लिखना है, सिग्नेचर चेक करना, इतना ही उसका पर्पज था बैंक में, और वो Y2K के प्रॉब्लम के लिए 31 December 1999 के बाद वो उस दिन सब बैंकिंग ऑफिशियल सब रात के 12 बजे के बाद भी रुके हुए थे चेक करने के लिए सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, मैं करेक्ट वासुदेव सर? एंड यू नो मेनी पीपल यू नो Y2K के हिसाब से बहुत पैसा भी बनाया, दे क्रिएटेड सम कार्ड्स एंड ऑल टू मेक योर सिस्टम्स Y2K एनेबल सिस्टम एंड लेड लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, बट एवरीथिंग वाज अ फ्लॉप एक्चुअली. Exactly. I also remember like in at that time actually I was working in a company like Havells. So at that time like you know whole management team was working like 2-3 months before and they spent lot of money so that ki unka jo data hai wo as it is like you know kaam kare aage, aur uske liye kafi experts wagera ki help li, aur fir jab wo start hua jaise bhai us din to countdown start ho raha tha to log jo hai na New Zealand ko follow kar rahe the ki New Zealand jo hai 12 ghante jaise pehle matlab pehle hai jaise Like 10 घंटे तो न्यूजीलैंड में सब कुछ ठीक जा रहा है, अच्छा न्यूजीलैंड के बाद जो है नेक्स्ट कंट्री में ठीक जा रहा है, मतलब वहां पे प्रॉब्लम नहीं हो रही तो इंडिया में इसका मतलब ठीक ठाक होगा, तो इतना ज्यादा फॉलो कर रहे थे. लाइक आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम, जो वहां की जो आईटी टीम थी उसमें मैं फाइनेंस की तरफ से मैं उसके अंदर भाई बना हुआ था कि फाइनेंस लीड टाइप से, तो उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जैसे लोगों से मिलना ये होना और सारे डेटा उसके अंदर इतना डेटा था तो बड़े बड़े लेके इतना पैसा खर्च किया कंपनी ने और लोगों ने वाकई वासुदेव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इतना पैसा बनाया उस टाइम लोगों ने उसके नाम पे डरा डरा करके कि पता नहीं क्या हो जाएगा कल आपकी कंपनी में. ओनली थिंग मेरे को बहुत याद है बैंकिंग के हिसाब से क्या हुआ, दे टोल्ड इफ यू गिव 00 बिकॉज़ इट वाज टेकिंग टू कैरेक्टर्स द डेट विल टेक एज 1900 नॉट 2000. उसके लिए बैंक लोग बहुत लोग डर गया था क्या हो जाएगा, 1900 हो तो कोई केस बना दिया तो चेक का कोई प्रेजेंट हो गया कुछ ना कुछ सफर हो जाएगा ना, उसके लिए बहुत बैंकर्स डरा था उसके लिए. इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाज द मेन की जहां पे डर था बड़ा. करेक्ट. ऐसा ही जब भी स्विच ओवर हुआ था जब भी फ्रॉम जूलियन कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर जब भी स्विच ओवर होता तभी भी यही मजेदार चीज दुनिया में हुआ था. एक जस्ट छोटा सा इंसिडेंस बता देता हूँ. ये क्या हुआ था कि हम लोगों ने जब भी स्विच किया था मतलब पूरी दुनिया ने जब भी स्विच किया था तभी वो स्विच जो था वो हुआ था 4 अक्टूबर 1582. उसके बाद का नेक्स्ट दिन आया था डायरेक्टली 15 अक्टूबर 1582, मतलब बीच के 12 दिन खा लिए हम लोगों ने, स्किप कर दिए. व्हाई? टू एडजस्ट विद द ग्रेगरियन कैलेंडर. और ग्रेगरियन कैलेंडर क्यों एक्सेप्ट किया गया? बिकॉज ग्रेगरी वॉज द पोप. तो पोप ने बोल दिया मतलब दुनिया को मानना ही है. क्रिश्चियन पोप ने बोल दिया एंड ही वॉज साइंटिस्ट ऑल्सो एंड दैट कैलेंडर इज स्टिल करेक्ट. हम लोग अभी भी वही यूज कर रहे हैं. सोचिए अगर मेरे को कल फांसी देनी है और अगर बोल दे मतलब 10 दिन के बाद फांसी देनी है और कल ही मेरे को फांसी के लिए उठाया जाए बोले अभी तेरा दिन आ गया चलो, ऐसे कितने सारे इंसिडेंट्स वहां पे हुए थे. एक फेमस इंसिडेंट बताता हूँ इसके बारे में. एक जब भी गैलीलियन मून्स जो हम लोग बोलते हैं जो अपना जुपिटर का जो मून्स है जो जिसका डिस्कवरी किया था गैलीलियो ने और तभी वो पर्टिकुलर दिन का उसने जब भी किया था वो था 10 January 1510 के आसपास कुछ किया था 1610 को ऐसा कुछ किया था. तो उसमें
1582 को ही, so I'm very sorry, 1582 को जनवरी के आसपास कुछ उन्होंने किया था, नेक्स्ट मतलब जब से उन्होंने गैलीलियो से स्विच किया था उसके बाद में, तो उसका क्रेडिट गैलीलियो को मिला, गैलीलियो का उसका क्रेडिट मिला, लेकिन एक अलग साइंटिस्ट था उसका मैंने नाम लिख के रखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मिनट में मेरे इस पे ही है, साइमन मैन्यूस करके एक कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं मैंने कैलेंडर मैंने ये मून्स पहले ढूंढ के निकाले, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी हुई कि जब वो चेक किया गया तभी वो जो मैरियस थे साइमन मैरियस वो दुनिया के ऐसे कोने में रहते थे जहां पे जूलियन कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था, और ये जो थे अपने गैलीलियो थे वो दूसरे जगह पे थे जहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया जाता था, तो उनका जो कैलकुलेशन था उनके डेट का कैलकुलेशन जब कैलकुलेट किया गया विद रिस्पेक्ट टू ग्रेगोरियन कैलेंडर तो उनका क्रेडिट एक दिन से चूक गया, सो इट वॉज सेड कि गैलीलियो ने एक दिन पहले उसकी डिस्कवरी की, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये डेट्स के शिफ्टिंग से, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ एक्सेल में क्या काम करता हूँ छोड़ दीजिए, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों की इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज उनके नाम से होनी रहेगी और वो गैलीलियो के नाम पे अभी भी है, लेकिन हाँ यस इंटरेस्टिंग चीज ये ही है कि गैलीलियो ने जो भी चारों मून्स जो ढूंढे यूरोपा गिनेमिड आयो और एक जो है मैं नाम भूल गया, तो वो चारों के नाम लेकिन उसी जो जो जिनको एक रेट नहीं मिला उन्होंने जो नाम सजेस्ट किए थे वही दिए गए थे, क्योंकि ओरिजिनली गैलीलियो ने दिए हुए नाम कुछ अलग नाम थे उसके बारे में, सो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज, मतलब क्या क्या दुनिया में हो सकता है डेट्स के स्विच करने से। थैंक यू, आई रिक्वेस्ट राजन जी एंड विजय अग्रवाल जी आपका फाइल्स जो अभी दिखाया ना ग्रुप पे प्लीज शेयर कर देना। यस हां हां ठीक है जी, बिल्कुल 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 शेयर कर दूंगा ये वाली जो फाइल है, और इसको मैं अब जो है ना काफी दिनों बाद अब जैसे बात चल रही थी तो आई फील कि आज जो है ना 20 इयर्स पहले मैंने ये फॉर्मूले यूज कर रखे हैं, अगर मैं इनको थोड़ा सा और छोटा करूंगा तो मैं सिंगल फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे आपने कन्वर्ट कर रखा है कि कहीं पे भी मैं यूज कर सकता हूं। अभी इसकी लिमिटेशन ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका इसी डेट को यहाँ पे चेंज करना है, मैं उसको ड्रैग नहीं कर सकता, बट अगर मैंने सिंगल फॉर्मूला बना दिया तो मैं उसको कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ, मैं उसको एज ए लाइक फॉर्मूला टाइप से मैं बना सकता हूँ, जैसे ड्रैग कर सकता हूँ, और उसको कल को अगर हमने लेमेंडा में अगर उसके अंदर उस यूज कर दिया लेमेंडा तो वो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। नाम तो बहुत इंटरेस्टिंग है लैम्डा, बिकॉज लैम्डा हम लोग स्कूल में साइंस में यूज करते थे, सो लैम्डा इज समथिंग मशीन फॉर्मूला विच इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अनदर फॉर्मूला, तो बहुत अच्छा नाम ढूंढ के निकला, आई एम वेरी हैप्पी विद माइक्रोसॉफ्ट टीम लैम्डा, इट इज अ वेरी गुड नेम। लेट मी एक्नॉलेज विजय अग्रवाल जी, जो आपने ये फॉर्मूला डिस्प्ले किया एग्जैक्टली यही बिल्कुल 100% इसी प्रिंसिपल पे मैंने यूज किया है, जब मैंने ये मंथली प्लानर बनाया तो उसमें यही फॉर्मूला यूज किया हुआ है। ग्रेट सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला तो मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ा था ना सर, उसमें मतलब ये याद है मेरे को काफी, मेरा मैथमेटिक्स तो हमेशा ही मेरा इंटरेस्टिंग जो लॉजिक्स है वो रहे, तो इसको बेस पे मैंने 2000 के अंदर ये कैलेंडर बनाया था, तो मैंने एक्सेल पे जो है ना धीरे धीरे आरएनडी करनी स्टार्ट की थी, जैसे मैंने एक्सेल को स्टार्ट किया था 98 में काम करना, और ये मेरा फर्स्ट एक किस्म से कह सकते हो कि मेरा प्रोग्राम, दो मैंने चीज बनाई थी उस टाइम, एक तो मैंने कैलेंडर बनाया था, एक अमाउंट इन वर्ड्स कि यहाँ पे कहीं पे भी डालो उसको वर्ड्स के अंदर वो कन्वर्ट कर देता था जैसे, तो उसको भी मैंने ऐसे ही बनाया था इसी टाइप की कैलकुलेशन करके, मल्टीपल कैलकुलेशन करके बिना मैक्रो के बनाया था। मेरे पास एक है दिखा दो आपको, डेट्स डे अगर नंबर से अगर डे डिराइव करना है वो भी एक फॉर्मूला सही है, तो थोड़ा एडवांस लेवल पे भी बनाया उसको। अच्छा अच्छा नहीं बिल्कुल ठीक है जी, बाकी आज तो न्यू ईयर पे बड़ी अच्छी अच्छी नई लर्निंग है ना, काफी हम नए साल में जाकर के और पता नहीं कितने साल पीछे जाकर के और चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं। अब ये देखो ये फिगर इन वर्ड का ये भी मेरे को मिल गया है, फिगर इन वर्ड 2001 उसके बाद मैंने यूज ही नहीं की, मतलब बाद में कभी यूज की होगी, जैसे अब मेरी ये फाइल है ये देखिए, अब इसके अंदर ये बोल रहा है सेम चीज, अगर आप देखोगे ना इसमें ये फोन नंबर भी मेरा जो है ना पुराना फोन नंबर घर का जो है ना उस टाइम ये नंबर था, इसके अंदर कितनी डिजिट है 3, 2, 5, 7 डिजिट्स का, उसके बाद तो 2 भी लग गया, अब यहाँ पे भी जो है जो भी हम डालेंगे इसके अंदर कुछ भी डालेंगे तो ये देखिए अपने आप 1122 ओनली, अब इसके पीछे भी मैंने जो है पूरा प्रीफिक्स अगर लगाना है जैसे इसमें तो मैंने रुपी लगाना है तो रुपी लग जाएगा, जैसे इसमें रुपी ओनली तो देखिए रुपी 1122, बट इसमें भी एक ही जगह पे काम करेगा ये, अब ये जो है सीट वगैरह मैंने प्रोटेक्ट करके और ये डाल रखी थी, अनप्रोटेक्ट सीट अगर करनी है
तो ये मेरी जैसे ये हो गई प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट। अब यहां से मेरे को दूसरी सीट पे जाना है तो उसको पहले मेरे को अनहाइड करना पड़ेगा, फिर यहां पे भी मैंने इसको अनप्रोटेक्ट ये जो है ऐसे करके डाल रखी थी, और यहां पे मैंने फिर क्या था छुपा रखे थे ये लाइक किसी को पता नहीं लगे जैसे ये। अब ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो फॉर्मूले लगे हुए हैं कहीं पे फ्लोर का लगा हुआ है कहीं पे राइट का लगा हुआ है, इस टाइप से ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले यूज करके और ये बना रखा है जी। तो इस इन सबको यूज करके ये बना रहा है कैसे कैसे, इसमें जो भी नंबर आएगा वहां पे उसके बेस पे ये कन्वर्ट उसको स्प्लिट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिट करेगा और अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर लेकर के आएगा। जैसे ये जैसे नंबर लेकर के आएगा कहीं पे 1 करोड़ बना दिया, 23 लाख ऐसे करके, और ये चीजें बना रहे हैं। दो मिनट चाहता हूँ स्क्रीन शेयर करना। जी 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 करिए। ये सेम चीज है जो आपके आपके जैसा है शायद, लेकिन मैंने ये बहुत बाद में बनाया बिकॉज मैं इसमें थोड़ा और एडवांसमेंट में बनाना चाहता था। यहाँ पे करेंसी है तो आप डिस्टेंस डाल सकते हो, तो डिस्टेंस में आप सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, ये वही वैलिडेशन है जो लास्ट टाइम से हम लोगों ने बात कर रहे थे कि डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, और ये यहाँ से निकलता है। आप यहाँ पे एडिशनल कॉलम्स डाल सकते हो, एडिशनल रिलेशनशिप आप डाल सकते हो। तो ये है फर्स्ट लिस्ट, ये है सेकंड लिस्ट, और ये है दोनों नंबर्स का रेशियो, रेशियो क्या होना चाहिए दोनों यूनिट्स में। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रुपीज में कर लेता हूँ, तो मैं करेंसी कर लिया, तो करेंसी जैसे कर लिया और अंदर आपके यूनिट अगर गलत है तो मैसेज दे रहा है, दैट इज फाइन। तो यहाँ पे अगर करेंसी में बोलता हूँ मैं रुपीज, यहाँ पे डॉलर्स बोलता हूँ, यहाँ पे मैं सेंट्स बोलता हूँ, ओके okay, तो 445 मैंने दोनों इसमें करके रखे। मैंने किया है ये पहले सिर्फ नंबर को कन्वर्ट करना है, तो लेटेस्ट टेक 123.45, तो ये नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है 0.45 नहीं बोला जाता बिकॉज डिसेंबल के बाद 45 नहीं होता 45। तो अगर ये नंबर यूनिट के साथ चाहिए तो डॉलर 123.45 ओनली। यहाँ का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि तो इसको पैकिंग किया करके इसको एक साथ पैक किया है इसलिए ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन अगेन लॉजिक इज द सेम जो विजय अग्रवाल जी ने बताया वही लॉजिक है इसके अंदर। ये थोड़ा दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा नया कुछ नहीं है इसमें, सेम चीज है इसके अंदर। ये कैलकुलेशन जो है वो यहाँ से राइट साइड में, यहाँ से वो 1 2 3 4 का जैसे उन्होंने बनाया वैसे ही इसमें बना के रखा है। ये देखिए सेम चीज, ये इतने मिनिमम है, 1 करोड़ तक मैंने दिया, उसके आगे मैं गया नहीं बिकॉज मुझे नहीं लगा उसके आगे जाने का जरूरत है, तो मैंने 1 CR तक में करके रखा हूँ। अभी ये जो चीज है ये ऑब्वियसली सिर्फ नंबर के लिए है, तो ये अलग फॉर्मूला है सिर्फ नंबर के लिए, और विद क्योंकि इसमें करेंसी को पकड़ नहीं रहा है, ये इनको पकड़ नहीं रहा है, और ये है विद करेंसी जो करेंसी को साथ में पकड़ के साथ में चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो करेंसी का रेशियो डाला है, तो ऑब्वियसली इसके कारण क्या हो रहा है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस पकड़ता हूँ, और डिस्टेंस में अगर मैं किलोमीटर पकड़ता हूँ और बाद में किलोमीटर के बाद मैं डायरेक्टली सेंटीमीटर पकड़ता हूँ, तो रेशियो जो आया है वो 1000 का आता है, इसलिए आप सॉरी किलोमीटर के बाद यहाँ पे मीटर्स 100, हाँ यहाँ पे देखिए मैं सेंटीमीटर्स का इसमें रेशियो नहीं डाला है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप इसमें सब यूनिट में डालो करके, ये आपने ये रिलेशन लगाया नहीं है किलोमीटर और मीटर सेंटीमीटर का। आप देखिए यहाँ पे मैंने किलोमीटर के पास सेंटीमीटर का नहीं लगाया है, तो मैं इसमें अगर ऐड कर देता हूँ किलोमीटर और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो 10,000 का रिलेशनशिप में ये आ जाएगा अपने आप, और यहाँ पे मैं सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी भी नहीं आया मतलब कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। यूनिवर्सल मेथड से की है क्योंकि ये पुराने मेथड से पुराने फॉर्मूले यूज करके, लेकिन यही चीज मैंने बाद में सेम चीज मैंने नए लेट फंक्शन के साथ की है। ये है अपना लेट फंक्शन, और ये जो इतना बड़ा फंक्शन था वो एकदम छोटा सा हो गया लेट फंक्शन के कारण, इसमें जो भी मैंने किया है तो ये सिर्फ इतने लाइन में कंप्लीट हो गया। इतना ही कोड है सिर्फ इसका, और ये बहुत ही छोटा और बहुत ही क्या बोलते हैं कि एकदम इजी पड़ गया, क्योंकि पहले वो रिपीट करना पड़ता था बहुत सारी चीजें, जो जिनको कुछ डिफाइन करके वगैरह वहां से लेके ये एरे भी उसके अंदर आ गया जो पहले बाहर था मेरा, तो ये पैकिंग करते टाइम भी इजी पड़ा उसको, और इतना सही है छोटा सा। तो लेट फंक्शन इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर मी, कि काम करने के लिए बहुत मुझे मजा है लेट के साथ काम करने में, रिपीटेटिव चीज इजी करने के लिए वो बहुत मुझे काम में मदद हुई उसकी। तो बाकी लॉजिक इज द सेम लाइक विजय सर ने बताया। तो अब जो है ये लेट फंक्शन का जो आप जैसे लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे लैम्डा जो फंक्शन आया है जैसे लैम्डा, वो उसका और भी जो है लेट फंक्शन का ही जो है एक वास्ट उन्होंने यूज किया उसको नेमिंग करके,
और सेम चीज हम यूज कर सकते हैं. लेट हम सिंगल सेल में यूज कर सकते हैं और लैम्डा को हम पूरी फाइल में यूज कर सकते हैं. करेक्ट, स्कोप बढ़ा है उसका, स्कोप बढ़ गया उसका. तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया. बाकी अब बाकी और जो लोग जुड़े हुए हैं, प्रेम जी जुड़े हुए, आज प्रेम जी की आवाज ही नहीं आ रही हमारे पास. प्रेम जी की तो हमेशा ही कुछ ना कुछ क्वेरीज रहती थी सर. इतने ज्ञान वर्धक बातें हो रही हैं तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला सर. और पूनम जी कहाँ है आज हमारे. पूनम जी जो है देखिए लगातार जुड़ रही है. आज तो मैथमेटिक्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की टीचर है हमारी पूनम जी. तो आज तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स हमने जो है डिस्कस किया है. ये जो आपको पता है, ये जो पिछले जो सालों की जैसे हम बात कर रहे थे पूरा का पूरा, ये किया हुआ है सर, एंशिएंट मैथमेटिक्स में किया हुआ है ऑलरेडी. हाँ, एक्सेल से आप लोगों ने जोड़ दिया ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था और बड़ा अच्छा लगा. और आज तो कंप्लीट मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स छाया हुआ था नंबर्स के ऊपर. मिलिंद जी हमारे जो है ना तंजानिया से जुड़ते हैं. देखिए मतलब कितना अच्छा लगता है कि हम जो है ओवरसीज जो है ना बाउंड्रीज को पार करके जो है कहाँ कहाँ से लोगों को जोड़ रहे हैं. वासुदेव जी जुड़ रहे हैं. वासुदेव जी भी काफी कितना टाइम हो गया जी आपको भाई जुड़ते हुए. 3 महीने हो गया. 3 महीने हो गया. और बैंगलोर ये देखिए मिलिंद जी आज जो है ना पूरे उसके अंदर. और श्रीनिवासन जी हमारे लगातार जुड़ रहे हैं. जब से हमारा मेरे को ध्यान आ रहा है कि जब से मेरे को भाई मैं ऑब्जर्व करना शुरू किया जैसे, तो श्रीनिवासन जी भी लगातार जुड़ते हैं, हर क्वेरी सेशन में जुड़ते हैं. वी श्रीनिवासन जी आज रिचर्ड जी जुड़े हुए हैं. रिचर्ड सोन्स जो जुड़े हुए हैं ये मेरे को लगता है कि पहली या दूसरी बार जुड़े हैं. क्यों जी रिचर्ड जी. विजय कुमार जो सिंगल नेम आ रखा है वो भी हमारे जुड़ते रहे हैं बीच में. बहुत बढ़िया है जी. राकेश जी आज तो आपने ये जो दिखाया है स्टार्टिंग जो की है वो तो गजब की है. मतलब नए साल का इससे बढ़िया आपने कैलेंडर जैसे लोग डायरी बांटते हैं ना साल के स्टार्टिंग में, तो ये आप ये प्लानर है, ये आपकी डायरी है और ये आप लोग पूरे साल काम आएगा. तो आपने तो आज सबको जो है एक डिजिटल डायरी बांट दी. ये डिजिटल डायरी लो जी और आप इसको पूरे साल यूज करो. पूरे साल के ये तो आप किसी भी साल में यूज करो. आपने तो ऐसी डायरी दे दी. कोइंसिडेंस देखो सर, 2 बार से ये डेफर हो रहा था. हाँ हाँ. कोई सेशन शेड्यूल नहीं था. हाँ. आज पहली तारीख को प्रीपोन हुआ और वो पहली तारीख देखो, कोइंसिडेंस देखो सर, जो जिस चीज से रिलेट कर रही है ठीक उसी दिन 1 जनवरी को हम उसको वो कर रहे हैं. इनॉग्रेशन वाज द नॉट द करेक्ट डेट. इनॉग्रेशन ऑफ कैलेंडर प्रेजेंट करने के लिए प्रीपोन हो गया है. जी 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 जी. तो अपने विजय गुप्ता जी आज जो है ना बीच में जुड़े थे फिर बीच में गायब हो गए. वो कहीं मेरे को लगता है कोई और फैमिली फंक्शन में कुछ ना कुछ और जो है ना उनके साथ. और बाकी कल हमारी जो है ना एक वेबिनार है, इन केस भाई इफ भाई एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड तो उसके अंदर जो है आप जुड़ सकते हैं. 2 दिन की हमारी ऑफिस 365 के जो फंक्शन हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं उसके लिए ये वेबिनार है. और उसके साथ आप देखिए अगर आपके पास टाइम हो तो आप जुड़िए उसके अंदर. और बाकी आप हमारी जो टीम है उसके लिए अगर कोई स्पेशल किसी को कोई फर्दर अगर कोई डिस्काउंट वगैरह भी अगर चाहिए तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो दिया जा सकता है. कोई ऐसी मतलब ये तो हमारा ग्रुप है. बाकी वैसे नॉमिनल अमाउंट रखी हुई हमने 800 रुपीज केवल भाई. 2 दिन का उसमें फंक्शन रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगी 90 दिन तक की, उसके अंदर फाइल रहेगी, सब कुछ रहेगा. और काफी दिनों के बाद कर रहे हैं हम ये सेशन तो साल के स्टार्टिंग में. तो आई होप कि काफी अच्छा जो है ना उसमें लर्निंग रहेगी कल. तो आप भी भाई राजन जी राकेश जी अगर आप जुड़ना चाहें तो मैं आपको लिंक वगैरह जो है मैं भिजवा दूंगा सर आपको. जी जरूर जरूर जी. आज भी इंटरेस्टेड जो तो मिला सर. कर रहे हैं मैं अलग से आपसे चैट कर लेता हूं. आई विल मेक द पेमेंट नो प्रॉब्लम सर. मैं ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका हूं. हाँ हाँ वेरी गुड सर. मिलिंद जी थैंक यू वेरी मच. और पूनम जी तो हमारी जो भी हमारे सेशन होती है सारे अटेंड करती है, हमेशा अटेंड करती है. सारे के सारे पूनम जी तो हमारे जो है ना उसके अंदर सब्सक्राइबर है उसकी सबकी लाइफ मेंबर ऐसा बोल दीजिए तो चलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. और प्रेम जी तो बिल्कुल एक्सेल में ऐसी ऐसी चीजें ढूंढ के लाते हैं, दिमाग जो है ना उसमें चलाना पड़ता है हमेशा. इनके पास क्वेरीज अगर सबसे ज्यादा है तो प्रेम जी के पास होती है.
सर कुछ से हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना करना चाहता हूँ। आपने बताया था यहाँ पटना ट्रेनिंग में कि एक्सेल ने कोई ना कोई टूल्स दिया है तो नासा वालों के लिए नहीं बनाया, वो मेरे दिमाग में चौक कर गया है सर। अगर यूज कर रहे हैं तो हम भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम जी का वीडियो देखा, वो तो पूरे नए ईयर का हैप्पी न्यू ईयर बोले और थे पेरिस में पीछे बैकग्राउंड लगा के, मैं बोला ये कहां पे गए। आईफिल टावर के सामने खड़े थे ना सर आप। हाँ हाँ, अरे ये कुछ भी बना देंगे, आईफिल टावर भी बना देंगे, शिकागो भी पहुंच जाएंगे, जहां मर्जी पहुंच जाएंगे, उनका क्या है? और पूनम जी तो आज जो है ना मुंबई में बैठी हुई है, पता है आपको? हाँ उन्होंने बताया सर, आज ही मुंबई में या मुंबई से ही है, क्योंकि मैं तो पहले से मुंबई से हूँ। नहीं नहीं, मुंबई से नहीं हूँ मैं, आज मुंबई में हूँ, हमारी फैमिली में मतलब, अरे सीज फ्रॉम दिल्ली। अच्छा सर एक चीज मैं ये बोलना चाह रहा था, ये लैंडा फंक्शन जो आया है तो ये इसमें मतलब जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ वेरिएबल डिसाइड करना होता है, बाकी फंक्शन तो हमें सारे लिखने पड़ेंगे चाहे जितना लंबा फंक्शन हो। वो तो लिखने ही पड़ेंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन एक आप इसका फायदा समझ लीजिए। ओके एक एक फायदा बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अभी समझो आप फंक्शन का लिख रहे हैं आप, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें जरूर जबर मतलब दोनों चीजें डिफरेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी वेरिएबल जो है आपका वो कोई भी सेल हो सकता है, लेकिन आप सोचिए जब भी आप एक सिंगल सेल का वेरिएबल पकड़ रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ चलो मुझे कोई बड़ा एडवांटेज नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं एक सिंपल एक एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कॉलम में से मेरे को सम निकालना है, जो हम लोग समिफ करते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल समिफ फ्रॉम समझो कॉलम बी से समिफ करना है और ए कॉलम में से मेरे को पर्टिकुलर आइटम्स को उठाना है। ओके तो नॉर्मल में आप फंक्शन लिखोगे इज इक्वल टू समिफ और ये करके उठाओगे, दैट्स सिंपल, वेरी सिंपल। अगर मुझे वही चीज कॉलम सी से करना होता तो ए कॉलम के जगह पे मैं सी कॉलम को फिल्टर करता, एम आई करेक्ट? लेकिन ये आप हमेशा फॉर्मूला डाल रहे हो, लेकिन अब जब भी मैं लैम्बडा का फंक्शन बनाऊंगा तभी मैं जो वेरिएबल्स अंदर लूंगा वहां पे मैं सिर्फ A1 सेल लूंगा और सिर्फ या तो सिर्फ C1 सेल लूंगा, मुझे पूरा रेंज चेक करने का भी जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या, सम ऑफ पर्टिकुलर कॉलम, वो पर्टिकुलर कॉलम भी चेंज हो सकता है मेरा, बिल्कुल वहां रेंज नहीं हो सकता है। तो मैं लैम्डा में बनाऊंगा इज इक्वल टू लैम्डा कॉमा ए कॉमा बी, ए क्या होगा जिसमें से सम चाहूंगा वो कॉलम का फर्स्ट सेल, दैट्स ऑल, कॉमा देन कंडीशन कॉलम का फर्स्ट सेल, दैट्स ऑल। फायदा हो गया मुझे, ये थोड़ा ये क्या गया। अभी अगर किसी दूसरे कॉलम का करना होगा मैं बोलूंगा अरे ए और बी जो है वो अभी ए और बी नहीं रहे, मेरे ए और बी जो डिफाइन किए वो अभी कॉलम एफ और जी हो गए, दैट्स ऑल। तो ये देखिए आप एडवांटेज, अगर समिफ से करना पड़ता तो आपको वापस लिखना पड़ेगा, जबकि लैम्डा में सेम चीज का अंदर का वेरिएबल कोई रेंज भी हो सकता है, नॉट ओनली सेल, कोई भी कॉलम उठा लो। ये एक सिंपल सा एग्जांपल, इसका मैंने इंडेक्स मैच का रिवर्स लुकअप करके बनाया है और मैंने यही किया कि अगर बी लुकअप हम लगाते हैं तो वी लुकअप से हम रिवर्स नहीं जा सकते, जबकि लैम्डा में अगर यूज करें तो वो हम कर सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। और लैम्डा में दूसरा फायदा ये है कि जैसे हम लोग वीबीए में हम लोग लूपिंग करते हैं, फॉर लूप हो या डू व्हाइल लूप हो जो भी करके, वो लूपिंग हम लोग लैम्डा के अंदर बना सकते, लैम्डा फंक्शन को उसके ही अंदर लूप कर सकते टिल द टाइम सर्टन ट्रिगर इज नॉट हैपनिंग। ये चीज हम लोग नॉर्मल फंक्शंस में नहीं कर सकते, वो सर्कुलर रेफरेंस का एरर मार देगा आपको। ओके इस चीज के बारे में आईडिया, आप लैम्डा के अंदर कर सकते हैं, एक ही फंक्शन का उसी फंक्शन का नाम उसी के अंदर घुमाइए, लेकिन एक एग्जिट पॉइंट रखिए, एग्जिट पॉइंट से वो निकल जाएगा जब वो पर्टिकुलर पॉइंट ट्रिगर होगा तब, ऐसे रिकर्सिव मतलब उसको क्या बोलते हैं रिपीटेटिव, ये आप लूप लूप्स नॉर्मल के समान, हां लूप्स जो हम लोग यूज करते हैं विजुअल बेसिंग फॉर, यस। तो ये लूप्स हम लोग वीबी में यूज कर सकते हैं, एक्सेल में लूप्स नहीं यूज कर सकते, अनलेस हम लोग ऑफसेट यूज करें, ऑफसेट में हम लोग लूप कर सकते हैं जरूर, बट लैम्डा में इसका एडवांटेज बहुत बढ़ जाता है कैलकुलेशन करने का और बहुत सिंपल हो जाता है। लेकिन एक चीज और यहां पे देखा है, हां कुछ बोले सर, तो मैं बोल रहा हूँ कि लैम्डा को अपन नॉर्मल फंक्शन से आप देखेंगे ना कि मतलब ये इसका एक्जैक्टली रिप्लेसमेंट है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा, यस टू सम एक्सटेंट अगर आप उतना ही अगर करना चाहते हो तो यस आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप ये रिपीटेटिव काम करना है मतलब लूपिंग में डालना है या जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, तो ऐसा मतलब कोई भी आप कॉलम चेंज कर सकते हो। आज मेरे को सॉर्टिंग वर्टिकल चाहिए तो मतलब आप लोग जैसे सॉर्ट सॉर्ट बाय में करते हैं कि सॉर्ट डिसेंडिंग असेंडिंग, वो भी आप उसमें से कर सकते हो। बिल्कुल, कोई कॉलम एक मैंने फंक्शन बना हुआ देखा सॉर्ट वाइज सम करके, ऐसा कुछ फंक्शन बना हुआ है लैम्डा से, बहुत सारे कर सकते हैं आप। लेकिन एक चीज लिमिटेशन मैंने इसमें देखा है सर, जैसे अगर हम सम यूज करते हैं तो उसमें ऑप्शन भी हमें दिए गए, हम चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज, उसमें 126 के आसपास हम क्राइटेरिया दे सकते हैं, लेकिन लैम्डा के
यस लेकिन मैंने एक दिक्कत जो लास्ट टाइम बोली थी वही एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि यूजर को जो सामने वाला यूज करना है उसको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर में यूज करना है, उसको वो लिखना पड़ता है स्टार्टिंग में। हेल्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। हां हेल्प का ऑप्शन नहीं है, वो थोड़ा है अभी उसमें प्रॉब्लम। चलिए जी ठीक है, काफी जो है 1 जनवरी को आप लोगों ने टाइम निकाला, इतने शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला, तो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू मेक दिस सेशन लाइक द फर्स्ट डेट जो हमारा डे है ईयर का, उसके साथ इतनी बढ़िया लर्निंग और इतनी बढ़िया, आई थॉट कि मे बी लोग जो है कम जुड़ेंगे, बट सम हाउ आज बिकॉज ऑफ सम लाइक फ्रॉम माय साइड कुछ मैं यूट्यूब के थ्रू वो लाइव नहीं हो पाया, बट ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, मैं कल इसको जो है उसके ऊपर डाल दूंगा, तो जो तो लोग मैसेज भी आ रहे हैं सर। हाँ हाँ तो वो हम उस पर डाल देंगे जी। सर मैं क्वेरी भेजा हूँ वो फिर अभी टाइम नहीं हो तो नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे आपको। हाँ, हाँ, आपने जो क्वेरी भेजा है, आपने क्वेरी कौन सा भेजा है? मैंने मैं लास्ट टाइम जो भी बताया था कि मुझे मैंने उसमें रिजल्ट भी लिखा है कि एग्जैक्टली व्हाट रिजल्ट आई वांट, क्योंकि मेरे पास आपका सिर्फ एक्सेल कांटेक्ट है तो मैंने एक्सेल में शेयर किया है वो फाइल व्हाट्सएप पे। चलिए ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और बाकी जो है आप मेरे को एक बार जो है दोबारा मैसेज दे दीजिए तो हम आपको एक्सेल वाला जो एक हमारा जो ये कोर ग्रुप जो बना हुआ है उसके अंदर भी मैं आपको डाल दूंगा जी, जो लोग हमारे साथ यहाँ पे डेली जुड़ रहे हैं जैसे इसमें हर वीक जुड़ रहे हैं तो उनके लिए हमने एक अलग से ग्रुप बना रखा है, तो ओनली फॉर दोज पर्सन्स हु आर वेरी वेरी एक्टिव और एवरी वीक मतलब मोस्ट ऑफ द वीक्स दे आर जो कनेक्ट हो रहे हैं। राइट सर, राइट सर, थैंक यू सर। ओके जी तो राकेश जी अब इसको कीजिए आप जो है आज का। जी 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 विजय अग्रवाल जी आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म शुरू किया है और ऐसा नहीं है कि इसमें जो बंदा क्वेरी भेजता है उसको सीखने को मिलता है, जो भी बंदे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं आई एम श्योर अबाउट दैट हर किसी को कुछ ना कुछ मिलता है एंड आई गेन्ड अ लॉट ऑन दिस बेसिस आई कैन से एवरीबॉडी मस्ट बी गेटिंग बेनिफिटेड एंड आज जो मैंने चीज शेयर की है दैट इज अ बीटा वर्जन मीनिंग देयर बाय देयर कुड बी सम बग्स जब हम यूज करेंगे तो निकल के आएंगे, मैं ये चाहूंगा कि हम इसको यूज करें और अगर किसी को कोई बग नजर आते हैं तो डेफिनेटली प्लीज शेयर विद मी या कोई सजेशन नजर आती है कि इसको हम इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं सो आई वुड लाइक टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंगली सो लेट अस आई मीन मूव फॉरवर्ड और ऐसे ही अगर किसी के पास है कुछ कोई टूल्स डेवलप हुए हुए हैं जिसको हम अपने रूटीन में यूज कर सकते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है तो इस प्लेटफॉर्म पे हम उसको शेयर कर सकते हैं, इफ नॉट ऑन रेगुलर बेसिस एटलीस्ट वंस इन ए मंथ ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि 3 या 4 सेशन के बाद एक बार हम एक टूल एक सेशन ऐसा रखें जिसमें कोई ना कोई नोवल टूल शेयर करें और अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आई विल बी हैप्पी, आई हैव नंबर ऑफ सच थिंग जो मैंने ओवर द पीरियड मैंने यूज कर रहा हूँ मैं उनको, तो ऑल्टरनेट मंथ बेस पे आई वुड बी हैप्पी टू शेयर दोज थिंग्स। तो ऐसे ही आई एम श्योर राजन जी ने विजय अग्रवाल जी ने बहुत सारे टूल्स डेवलप करके रखे होंगे तो वी कैन शेयर दैट। सो नाउ इट इज ऑलरेडी 9:10 हम तकरीबन 40 मिनट आगे निकल गए अपने शेड्यूल टाइम से सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज कुछ लोग जो यूट्यूब से जुड़ा करते थे आज वो नहीं जुड़ पाए हैं बट वो जब भी देखेंगे उनका भी मैं एडवांस में धन्यवाद कर देता हूँ फॉर वॉचिंग दिस सेशन और हमेशा के लिए आगे भी जुड़े रहें और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम YouTube से हटकर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सो दैट हम एक्टिवली अपने कंसर्न्स रेज कर सके क्योंकि YouTube पे कंसर्न्स इनडायरेक्ट वे में आते हैं डायरेक्ट वे में नहीं आते हैं तो वो विजय अग्रवाल जी जिनका नंबर हर किसी के पास अवेलेबल है उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं तो विजय अग्रवाल जी उनको अपने जो एक्सेल का ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे और उनके पास ऑटोमेटिकली ग्रुप के थ्रू लिंक चला जाएगा तो वो जूम के थ्रू भी डायरेक्टली आ सकते हैं। सो इस कमेंट मैं सबका धन्यवाद करता हूं और ये कामना करता हूं कि सबके लिए नया साल अच्छा रहे और हम एक्सेल से जुड़े एक्सेल क्वेरी सेशन से जुड़े रहें और आगे भी आने वाले टाइम में बहुत कुछ सीखें। थैंक यू वेरी मच विजय अग्रवाल जी राजन जी वासुदेव जी और सभी सदस्य जो जुड़े हुए हैं सबका बहुत धन्यवाद। सो See you in the next session, not this Saturday, but second Saturday of this month. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Okay.
Once again, happy New Year. Good night, Ji. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.